वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इस लेक्चर में हम 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, देखिए सब्स्टी और ट्यूशंस, जो ट्यूशन आप पढ़ते हैं वही ट्यूशन इस लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझने के लिए एक वर्ड जो आप जानते हैं रिप्लेसमेंट, इसका मतलब काफी है। रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन दोनों सिनोनिम हो गया और दोनों के हिंदी है स्थानापन्न। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसमें क्यों कहते हैं? होता ऐसे है कि एक तरफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और दूसरे तरफ वन वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बदला में वन वर्ड लिखना होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? हम इसमें जो वन वर्ड होगा उसका उच्चारण, जिस तरह से यहाँ सब्स्टिट्यूशन लिखा है सबका लिखा मिलेगा आपको। फिर साथ में मैं पढ़कर दिखाऊंगा कि कितने बार में पढ़ते हैं, अर्थात कितने सिलेबल में पढ़ते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशंस, ये दो सिलेबल का है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बार अंडरलाइन किया सब्स्टी और दूसरी बार अंडरलाइन किया ट्यूशंस तक को, तो इसको पढ़ते हैं टू सिलेबल का। मैं सबको पढ़ कर दिखाऊंगा, साथ में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड होगा उसे पढ़ूंगा, उसका मतलब बताऊंगा। तो आप इस तरह से अपना वोकैबुलरी सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ में जितने वन वर्ड आते हैं मिस स्पेल्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मिस स्पेल्ड में, उनमें से अधिकतर वर्ड्स का ही स्पेलिंग करेक्ट पूछा जाता है। तो मिस स्पेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू को भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमें स्पेलिंग ध्यान रहे। तो अभी शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 200 हैं। ये 200 कौन से हैं? जो एग्जाम्स में आ चुके हैं और आते रहते हैं, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं वही हैं 200। टाइम नहीं गंवाते हैं, शुरू करते हैं। पहला है अल्ट्रुइस्ट। इसे दो बार में पढ़ते हैं, एक बार में अल और दूसरे बार में ट्रुइस्ट। ट्रुइस्ट में याद रखेंगे स्पेलिंग TRUIST, ट्रुइस्ट। हिंदी होती है परोपकारी। परोपकारी मतलब पर उपकारी, पर मतलब दूसरों का जो उपकार करते हैं उसे परोपकारी कहते हैं। दूसरे को उपकार कौन करेगा? जो दूसरों से प्रेम करता है। ऐसे ही यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होगा? अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक आदमी चाहे औरत। अ पर्सन, पर्सन जहां भी लिखा रहेगा आप उसे मेल फीमेल दोनों समझेंगे, कॉमन जेंडर है भी ऐसे। अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक पर्सन जो सभी से प्रेम करता है उसे क्या कहेंगे? परोपकारी। नाउ अनदर वन इज अमेचर। अमेचर को एक ही बार में पढ़ना है हमें, अमेचर। अमेचर देखिए MATEUR, हाँ ये ध्यान रखना है। हिंदी है शौकीन व्यक्ति। शौकीन व्यक्ति का मतलब शौक करने वाला व्यक्ति, जैसे कुछ लोग गॉगल्स पहनते हैं, कुछ लोग अपने बाल को डिफरेंट कलर कर देते हैं, उनको बोलते हैं शौकीन व्यक्ति, अमेचर। जैसे अ पर्सन हु डज एनीथिंग ओनली फॉर प्लेजर, पर्सन जो कुछ भी करता है, डज एनीथिंग कुछ भी करता है ओनली फॉर प्लेजर। प्लेजर मतलब आनंद, आनंद के लिए। पर्सन जो आनंद के लिए कुछ भी करता है इसे प्लेजर कहते हैं, उसे कहते हैं अमेचर, शौकीन व्यक्ति। नाउ अनदर वन इज अनार्किस्ट। इसे भी एक बार में पढ़ना चाहिए, अनार्किस्ट। अनार्किस्ट यहाँ पे CHIST को किस्ट पढ़ते हैं, अनार्किस्ट। इसको बोलते हैं अराजकतावादी, मतलब राज को, राजकता को खत्म करने वाला जो सिद्धांत होता है उसे बोलते हैं अनार्किस्ट। जैसे अ पर्सन हु वांट्स टू क्रिएट लॉलेसनेस, लॉलेसनेस मतलब कानून का नहीं होना इन द स्टेट, राज्य में। राज्य स्टेट अगर पॉलिटी की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब देश भी होता है और इंग्लिश में स्टेट का मतलब राज्य भी होता है। तो कोई राज या देश में कोई अगर कानून की व्यवस्था को खत्म करना चाहता है तो उसे, उस पर्सन को कहते हैं अनार्किस्ट और अराजकतावादी। याद रखेंगे, बहुत पूछता है। देन आर्सेनल, ये है आर्सेनल मतलब शस्त्रागार, शस्त्र आगार, आगार मतलब घर, शस्त्र का घर, जहां पे शस्त्र रखा जाता है बोलते हैं आर्सेनल, शस्त्रागार। देखिए अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड एमुनिशन आर स्टोर्ड, इसको पढ़ते हैं वेपन्स, वेपन्स मतलब हथियार, एमुनिशन मतलब गोला बारूद। तो जगह जहां पे हथियार,
एंड एमुनिशन गोला बारूद स्टोर होते हैं, रखे जाते हैं, उसे कहते हैं शस्त्रागार आर्सेनल। नाउ अनदर वन इज एलियन, इसे भी एक बार में पढ़ना है एलियन, ALIEN, एलियन विदेशी, विदेशी आप जानते हैं जो हमारे देश का नहीं है उसे विदेशी कहते हैं। वन हु रिजाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, वह जो रहता है एक देश में जिसका ही इज नॉट अ सिटीजन, वह एक नागरिक नहीं है। जैसे हम भी किसी और देश में चले जाएंगे तो वहां के लिए हम कहलाएंगे विदेशी, और हमारे देश में भी किसी दूसरे देश का कोई नागरिक आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे विदेशी, मतलब ऐसे कंट्री में रहना जिस कंट्री का वो सिटीजन नहीं है उसे कहते हैं, उस आदमी को कहते हैं उस कंट्री के लिए एलियन। नाउ इज अम्बेसडर, अम्बेसडर को भी एक बार पढ़ना है आपको, अम्बेसडर स्पेलिंग देखिए डबल एस यहाँ पे, अम्बेसडर डबल एस है, राजदूत हिंदी है, हम राजदूत क्या होता है डिप्लोमेट रिप्रेजेंटिंग स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। और डिप्लोमेट एक राजनयिक, डिप्लोमेट मतलब राजनयिक, ये आईएफएस अफसर होते हैं, राजनयिक रिप्रेजेंटिंग जो प्रतिनिधित्व करता है अ स्टेट एक देश का, यहाँ देश ही रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, एक राजनयिक जो देश का प्रतिनिधित्व करता है इन अ फॉरेन कंट्री विदेश में, फॉरेन कंट्री मतलब विदेश में, जैसे हमारे देश का कोई राजनयिक अमेरिका में है तो हम उसको कहेंगे कि वह अम्बेसडर, अम्बेसडर टू इंडिया है, अम्बेसडर के साथ टू लगाते हैं, हाँ तो ही इज अम्बेसडर, अम्बेसडर टू इंडिया। एनीवेज छोड़ दीजिए अभी इसको, कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, वो कहेंगे कि हमारे देश का अम्बेसडर है, क्या करते हैं ये अमेरिका में अगर है तो अमेरिका की सारी बातें, सरकार की सारी बातें हमारी सरकार को देंगे और हमारी सरकार की सारी बातें अमेरिका को पहुंचाएंगे, इनका काम होता है राजदूत का। नाउ नाउ द वर्ड इज एथेइस्ट, एथेइस्ट को भी एक बार में पढ़ना चाहिए, हिंदी होती है नास्तिक। आगे बताऊं उससे पहले इसका अपोजिट वर्ड जान लीजिए, अपोजिट वर्ड है थेइस्ट, थेइस्ट का मतलब होता है आस्तिक, आस्तिक का मतलब जिसको भगवान में भरोसा होता है, विश्वास होता है उसे आस्तिक, और जिसे नहीं होता है उसे नास्तिक। तो यह हो गया अपोजिट, बस क्या डिफरेंस है, ए हटा देंगे तो थेइस्ट हो जाएगा और इसका आस्तिक हो जाएगा, या थेइस्ट में ए लगा देंगे तो अथेइस्ट हो जाएगा, चाहे एथेइस्ट हो जाएगा और नास्तिक हो जाएगा। नाउ अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक पर्सन जो विश्वास नहीं करता है इन द एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस मतलब अस्तित्व, अस्तित्व मतलब होना, भगवान है कि नहीं है, भगवान के होने पे जो विश्वास नहीं करता है उसे बोलते हैं नास्तिक, एथेइस्ट। नाउ अमनेस्टी भी एक बार में पढ़ना है आपको, अमनेस्टी स्पेलिंग याद रखेंगे, बहुत सिंपल स्पेलिंग है NESTY, राजक्षमा, राजक्षमा क्या होता है, अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जो राजनीतिक अपराधी होते हैं, ऑफेंडर्स मतलब अपराधी, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जो राजनीतिक अपराधी होते हैं उनका जो जनरल पार्डन करते हैं, पार्डन मतलब क्षमा करते हैं, उसको उस जनरल पार्डन को कहते हैं अमनेस्टी। एक उदाहरण समझा देता हूँ, कहीं कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट ने, पुलिस ने हजारों लोगों को अंदर कर लिया, जेल के अंदर कर लिया, तो अब क्या होगा, बाद में प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर सरकार क्या करेगी, इन सबको पार्डन कर देगी, नॉर्मली हो जाता है, तो इतने लोगों को जनरल पार्डन करना कहलाता है अमनेस्टी। ना एनोनिमस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में दो बार में पढ़ना है, एनो और फिर निमस, ए एनो, एनो याद रहेगा, निमस याद रखना है, NYMOUS निमस, हिंदी है गुमनाम, लिखा है इधर आप देख सकते हैं सबका हमने उच्चारण लिखा हुआ है, गुमनाम, गुमनाम का मतलब जिसका नाम का पता नहीं है। एनीवेज अ लेटर और डॉक्यूमेंट, एक लेटर चाहे कागजात और डॉक्यूमेंट, कागजात विच डजंट बियर, जहां पर नहीं होता है, डजंट बियर मतलब नहीं होता है, जहां पर नहीं होता है द नेम, नाम ऑफ इट्स राइटर,
अगर लेटर पे लेटर के लिखने वाले का नाम नहीं है तो उस लेटर को कहेंगे एनोनिमस लेटर, और ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट जिसमें बुक भी शामिल है उस पे अगर राइटर का नाम नहीं है तो उस बुक को कहेंगे एनोनिमस। तो ऐसी कोई वस्तु जिसपे नॉर्मली नाम लिखा जाना होता है और नाम नहीं रहे तो उस वस्तु को कहेंगे एनोनिमस, गुमनाम। नाउ एंटीडोट, एंटीडोट को एक बार पढ़ना है, और ये विषहर, विष को हरने वाला विषहर। अ मेडिसिन टू काउंटर एक्ट, काउंटर एक्ट मतलब रोकने के लिए, मेडिसिन टू काउंटर एक्ट। द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, पॉइजन जहर के इफेक्ट को, प्रभाव को रोकने की दवा को कहते हैं एंटीडोट। अगर किसी ने जहर खा लिया है तो उसके प्रभाव को रोकना होगा तो उसे एंटीडोट देना होता है, और आप तो मूवीज सीरियल्स में बहुत देखते हैं एंटीडोट का। ये है विषहर। नाउ कमिंग टू 11th नंबर, दैट इज एंटीसेप्टिक। टू सिलेबल वर्ड है, दोबारा पढ़ना है, एंटीसेप्टिक, रोगाणु रोधक, रोगाणु को रोकने वाला, रोगाणु को रोकने वाला। अ मेडिसिन दवा, दैट प्रिवेंट्स जो रोकती है डीकम्पोजिंग, डीकम्पोजिंग का मतलब होता है सरन, दवा जो सरन को रोकती है, सरने नहीं देती है, उस दवा को बोलते हैं एंटीसेप्टिक। अब जानते भी हैं एंटीसेप्टिक क्रीम्स आते हैं, क्रीम्स मतलब ऑइंटमेंट्स आते हैं, तो ये सब क्या है, रोगाणु रोधक होते हैं ताकि जहां घाव हुआ है वो सरे नहीं, और जो नेचुरल रिकवरी होती है शरीर से उस तरह से जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाएगा घाव का, फिर अगर सरेगा नहीं तो। नाउ 12th नंबर इज ऑटोबायोग्राफी, इसको पढ़ते हैं ऑटोबायोग्राफी तीन बार में, ग्राफी नहीं ग्राफी, देखिए यहाँ ग्राफी लिखा है मैंने, ऑटोबायोग्राफी हिंदी है आत्मकथा, आत्मकथा मतलब अपनी कथा, अपनी कथा कौन लिखता है, जिसकी कथा है वही लिखता है, तो लाइफ स्टोरी, जीवनी, लाइफ स्टोरी मतलब जीवनी ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का, रिटन बाय सेल्फ उसके द्वारा ही लिखा गया जिसकी जीवनी है उसी के द्वारा अगर लिखा गया है तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्म कथा। नाउ ऑडियंस का मतलब जानते हैं, श्रोता होता है, पढ़ते हैं ऑडियंस, लिखा भी है यहाँ भी, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, ऑडियंस का मतलब अन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों का दल, सुनने वालों का दल को क्या कहते हैं, श्रोता कहते हैं। फिर है कुलीन तंत्र, इसको बोलते हैं आरिस्टो, देखिए यहाँ पे आरिस्टो क्रेसी, क्रेसी जिधर मिलेगा बहुत से मिलने वाला है क्रेसी वाला, हमें जहां क्रेसी मिलेगा वहां पे उसका हिंदी तंत्र लगा दीजिएगा, तंत्र, अरिस्टो क्रेसी कुलीन तंत्र, इसको पढ़ते हैं कुलीन तंत्र। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, अ गवर्नमेंट रन बाय द नोबिलिटी और द रिच एंड द एलीट पीपल, जो नोबिलिटी के द्वारा एक सरकार जो रन चलाई जाती है, बाय द नोबिलिटी द रिच और द रिच मतलब यहां पे कर दीजिए धनी, और यहां पे एलीट पीपल सभ्य, एलिट मतलब सब, इसको एलिट पढ़ेंगे, तो यहां भी नोबिलिटी का मतलब ही सभ्य ही होता है। तो गवर्नमेंट जो सभ्य और धनी लोगों से चलती है, चाहे सभ्य लोगों की होती है चाहे धनी लोगों की होती है, ऐसे कुछ भी बोल दे, जैसे गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी तो भी कहेंगे अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय द रिच अरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट रन बाय द एलिट पीपल अरिस्टोक्रेसी, तो आप इतने चीज को ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। नाउ ऑस्ट्रो, ऑस्ट्रो एस्ट्रो, और फिर दूसरी बार नोमर, एस्ट्रोनोमर, इसको पढ़ेंगे दो बार में, खगोल विज्ञानी, खगोल आप जानते हैं आकाश से संबंधित विज्ञान जो है उसे खगोल विज्ञान कहते हैं, और उसका जो वैज्ञानिक होते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनोमर, लिखा हुआ है यहाँ पर उच्चारण। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टियल, सेलेस्टियल का मतलब होता है उसे पढ़ते हैं सेलेस्टियल, और हिंदी है इसका आकाशीय, हाँ सेलेस्टियल पढ़ते हैं इसको सेलेस्टियल। तो अ पर्सन, पर्सन जो हु इज स्किल्ड, जो निपुण होता है इन द साइंस ऑफ सेलेस्टियल,
आकाश से संबंधित विज्ञान में, आकाश से संबंधित विज्ञान में जो निपुण होता है उसे खगोल विज्ञानी, इंग्लिश में एस्ट्रोनोमर कहते हैं। फिर है गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर, इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। एक ही बार में पढ़ लीजिए, ऑटोक्रेसी। यहाँ क्रेसी आया है लेकिन हिंदी में तंत्र नहीं है, यहाँ पे निरंकुशता है। क्रेसी में तंत्र रहता है नॉर्मली, तो निरंकुशता है। गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक आदमी के द्वारा सरकार जिसके पास असीमित शक्ति होती है, जैसे कि आप जानते हैं हिटलर का नाम, मुसोलिनी का नाम हिस्ट्री में आप जानते हैं कि हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। ये सब क्या था? एक आदमी के हाथ में अनलिमिटेड पावर था और इसलिए डिक्टेटरशिप करते थे वो लोग, तानाशाही करते थे, और उनके शासन को ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं। नाउ अनार्की, अनार्की देखिए, अनार्की सी एच वाई को की पढ़ेंगे, अनार्की अराजकता। अभी आपने पढ़ा था ना अनार्किस्ट अराजकतावादी। अब अराजकता क्या है कि जब अब्सेंट होता है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, एक देश में सरकार नहीं होती है तो उसे बोलते हैं अनार्की। कभी कभी आपने देखा कि किसी पार्टिकुलर प्लेस पे दंगा हो जाता है और दंगा में पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है, दो ग्रुप आपस में लड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, सरकारी संपत्ति को नष्ट करते हैं, उस पीरियड के लिए वहां पे लॉ एंड ऑर्डर या कहिए तो गवर्नमेंट नदारद रहती है, नहीं रहती है। तो जब वह स्थिति, चाहे वह जगह जहां पे गवर्नमेंट नहीं है, उस स्थिति को, जगह को बोल देंगे अराजकता, उस स्थिति को ही बोलेंगे अराजकता। और एक पार्टिकुलर जगह में थोड़े समय के लिए, बहुत देर के लिए भी हो सकता है, हमारे देश में कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद तो बाकी पुलिस बल आकर सबको कंट्रोल कर लेते हैं। तो अनार्की मतलब जो गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती है ठीक से, गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं अनार्की अराजकता। नाउ एनिवर्सरी, आप सब जानते हैं एनी वर्सरी, दो बार पढ़ेंगे वर्सरी का स्पेलिंग वी आर एस ए आर वाई एन ई ए एन आई, वर्सरी सालगिरह। सालगिरह क्या है कि एक साल में जो डेट रिटर्न करता है उसे सालगिरह कहते हैं। मान लीजिए किसी का मैरिज डेट है 26 फरवरी, तो 26 फरवरी जो फिर नेक्स्ट ईयर क्या कहलाएगा, उसका इन मैरिज एनिवर्सरी कहलाएगा। तो साल भर में जो डेट रिटर्न करता है उसे बोलते हैं एनिवर्सरी। नाउ एनुअल, एनुअल मतलब वार्षिक, ये आप जानते हैं फिर भी लिखा है क्योंकि दैट हैपेंस एवरी ईयर, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए लिखना जरूरी था क्लियर रखने के लिए। जो प्रत्येक साल होता है उसे बोलते हैं एनुअल, वार्षिक। आपके एग्जाम होते हैं, मैट्रिक के एग्जाम होते हैं, इंटर के एग्जाम होते हैं, जो एक ही बार लास्ट में होते हैं, उस एग्जाम को क्या बोलते हैं, एनुअल, हर साल होता है वो, उसे एनिवर्सरी नहीं बोलेंगे क्योंकि डेट फिक्स नहीं होता है। डेट जब फिक्स हो जाएगा ना, जैसे 26 फरवरी है फिर 26 फरवरी, तो उसे हम एनिवर्सरी बोल देंगे। लेकिन जो कार्यक्रम साल में एक बार, एवरी ईयर एक बार होना होता है उसे बोलते हैं एनुअल। नाउ दो बार होना होता है तो उसे बोलते हैं हाफ ईयरली, ये आप जानते हैं। नाउ बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट इसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट, दो बार पढ़ते हैं, बैंक पढ़ देंगे आप एक बार और फिर रप्ट पढ़ेंगे, हिंदी है दिवालिया। बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट नहीं बैंकक्रप्ट, बोलने में तो करप्ट सा दिख रहा आ जा रहा है, दिवालिया। वन हु कैनॉट पे वंस डेट, इसको डेट पढ़ते हैं, यहाँ पे बी साइलेंट होता है और इसलिए इसको हम डेट पढ़ते हैं। वन हु कैनॉट पे, वह जो नहीं चुका सकता है वंस अपना डेट, डेट मतलब कर्ज, ऋण, जो कुछ कहिए आप, नहीं चुका सकता उसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द 21st इज बायोग्राफी, इसको दो बार में पढ़ते हैं, एक बार पहली बार में बायो, दूसरी बार में ग्राफी, जीवनी। जीवनी मतलब जीवन के बारे में, द लाइफ हिस्ट्री मतलब जीवनी, ऑफ अ पर्सन किसी पर्सन का, रिटन बाय अनदर किसी दूसरे द्वारा लिखा गया। अगर कोई पर्सन ए है और एक की जीवनी बी ने लिखा है तो कहेंगे कि जो ये जीवनी लिखा गया है यह है बायोग्राफी। लेकिन अगर ए की जीवनी को ए ने ही लिखा है तो इसे बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी।
तो जब किसी पर्सन की जिंदगी जीवनी वह पर्सन खुद लिखा लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसे आपने पहले देख लिया है। अगर किसी पर्सन की जीवनी कोई दूसरा पर्सन लिखता है तब उसे बोलते हैं केवल जीवनी बायोग्राफी। इसे ग्राफी पढ़ते हैं, ग्राफी नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ बाइप्ट, बाइप्ट मतलब दो पाया, दो पैर वाला। आप जानते हैं हेन को देखा है, हेन एक बाइप्ट एनिमल है। एनिमल्स विद टू फीट, जानवर जिनके दो पैर होते हैं उन्हें कहते हैं बाइप्ट, दो पाया। नाउ होमिसाइड, होमिसाइड जिधर साइड आ जाएगा अब वहां पे आप देखिएगा हिंदी में हत्या आनी चाहिए और इंग्लिश में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उधर मर्डर आना चाहिए। तो होमिसाइड इसको बोलते हैं नर हत्या, मर्डर ऑफ मैन इसको बोलते हैं होमिसाइड। आप ध्यान रखना है आपको कि मैन का मतलब केवल मैन नहीं, मैन के साथ वीमेन भी अपने आप शामिल समझा जाता है। जिस तरह से मैं पर्सन का कहा कि पर्सन का मतलब क्या, कोई पुरुष चाहे स्त्री दोनों, ऐसे ही यहाँ पे मैन लिख दिया है तो डेफिनेटली ये मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन यहाँ पे मतलब वीमेन के लिए भी लागू रहेगा। तो मर्डर ऑफ मैन होमिसाइड नर हत्या। नाउ इन वल्नरेबल, तीन बार में पढ़ेंगे आप इसे, इन वल्नरेबल, वल का स्पेलिंग देखिए वी यू है ना, इन वल्नरेबल अभेद्य मतलब जहां पे भेद नहीं, भेदा नहीं जा सकता है। इन कैपेबल ऑफ बीइंग वुंडेड, वुंडेड मतलब क्या होता है घायल, वुंडेड मतलब घायल। असमर्थ, घायल होने में असमर्थ मतलब उसको घायल ही नहीं किया जा सकता है, भेदेंगे तभी तो घायल होगा, तो इसे बोलते हैं इन वल्नरेबल अभेद्य। नाउ ब्रिटल, ब्रिटल मतलब नाजुक भंगुर, जो बहुत ही आसानी से टूट जाता है उसे ब्रिटल बोलते हैं। एक ग्लास, शीशा का ग्लास अगर आप हल्का थोड़ी सी ऊंचाई से भी छोड़ देंगे तो वो क्या होता है, वो ब्रिटल होता है, चकनाचूर हो जाएगा। हाँ, तो लायबल टू बी इजली ब्रोकेन, लायबल टू बी आसानी से टूटने योग्य, जो आसानी से टूटने योग्य वस्तुएं हैं उन्हें कहते हैं हम ब्रिटल, बी आर आई टी टी एल ई। नाउ 26th नंबर इज ब्लास्फेमस, ब्लास और फिर फमस, दो बार हम पढ़ेंगे इसे, पी एच ई एम यू एस, इसे फेमस नहीं पढ़ेंगे, फमस पढ़ेंगे। देखिए लिखा है मैंने ब्लास्फेमस, धर्मद्रोही, धर्म से द्रोह करने वाला को क्या बोलते हैं धर्मद्रोही, देशद्रोही तो जानते हैं, देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही, धर्म से द्रोह करने वाला धर्मद्रोही, क्या है ये। वन हु इज इरिवरेंट, हु इज इरिवरेंट मतलब भक्तिहीन, वन हु इज इरिवरेंट वह जो भक्तिहीन होता है टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती है, हम कुछ नहीं समझते ऐसी उसकी भावना होती है, तो इसे बोलते हैं ब्लास्फेमस, धर्मद्रोही। नाउ नाउ दिस इज बिगॉट, बिगॉट पढ़िए, बायगॉट पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हिंदी है धर्मांध चाहे कट्टर, दो है। अगर हम बिगॉट बोल रहे हैं तो कट्टर धर्मांध एक ही मतलब होता है, समझेंगे। कट्टर क्या होता है, कट्टर ऐसा होता है, सपोज कोई धर्म है ए और ए के खिलाफ किसी बी धर्म वाले ने बोल दिया, तो ए वाले पूरे अपना जितना इनका साजो सामान है लड़ने वाला सब लेकर आकर बी पर हमला कर देंगे, क्योंकि ए वाले कट्टर होंगे। अगर वही ए वाले बी पे कुछ, बी के लिए कुछ कह दे, बी अगर कट्टर नहीं होगा तो बी इनको समझाएगा, बोलेगा कि ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। तो कट्टर लोग क्या करते हैं, देखिए, अ पर्सन ब्लाइंडली अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम, एक पर्सन जो आंख बंद करके जुड़ा रहता है, अटैच्ड जुड़ा रहता है टू एनी ओपिनियन, किसी विचारधारा से या सिस्टम, सिस्टम मतलब तंत्र से, आंख बंद में जुड़ा हुआ है, मतलब अगर उससे आंख बंद कर जुड़ा हुआ है इसका मतलब यह है कि अंधभक्त है और उसके सिस्टम या ओपिनियन के खिलाफ कुछ कहेंगे तो जरूर एक्शन लेगा, ऐसे लोग बोलते हैं कट्टर धर्मांध, बिगॉट। Now, now the word is bibliophile, bibliophile, तीन बार हम पढ़ लीजिए इसे, bibliophile, पुस्तक प्रेमी, a lover of books, पुस्तकों का प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, bibliophile।
ऐसे लोग क्या करते हैं, बुक शॉप पे एक बुक देख लिया, एक भी वर्ड अच्छा लगेगा तो उसे खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे, उसे पढ़ भी जाएंगे। इसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। नाउ बाइगैमी पर इसका हिंदी है द्विपत्नित्व या द्विपतित्व, द्वि में हर सही से होना चाहिए था। एनीवेज, द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में दो पत्नियां चाहे दो पति रखने की स्थिति को कहते हैं द्विपत्नित्व या द्विपतित्व बाइगैमी। अगर किसी महिला के दो पति हैं एक ही समय में, दोनों एक ही समय में, तो उसे बोलेंगे हम कि वह बाइगैमी है। ऐसे ही किसी पुरुष के दो की दो पत्नियां हैं तो वहां भी बाइगामी बोलेंगे। और यह सब जो प्रथाएं हैं आदिवासियों में अभी भी प्रचलित है। नाउ नाउ द वर्ड इज बेलीजरेंट। बेलीजरेंट दो बार हम पढ़ लीजिए इसे, योद्धा, बेलीजरेंट, वन हु इज इंगेज इन फाइटिंग अ बैटल और वॉर। वन हु इज इंगेज, वह जो सम्मिलित है इन फाइटिंग, लड़ाई में, इन फाइटिंग अ बैटल, लड़ाई लड़ने में या युद्ध लड़ने में, वह मतलब युद्ध कहीं चल रहा है वहां पे वो लड़ रहा है तो उसे बोलते हैं बेलिजरेंट योद्धा। योद्धा मतलब जो युद्ध लड़ रहा है उसे योद्धा कहते हैं। नाउ कम्स 31st। 31st इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, मिस स्पेल्ड पे बहुत पूछता है इसका। हिंदी है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी BUREAU, ब्यूरो एक बार हम पढ़ेंगे ब्यूरो और फिर पढ़ेंगे क्रेसी, दो बार हम पढ़ेंगे से ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नौकरशाही क्या होता है, ऑफिसर्स जब शासन चलाते हैं, अधिकारी जब शासन चलाते हैं उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द ऑफिसर्स, एक सरकार जिसमें सभी शक्तियां संकेंद्रित होती है ऑफिसर्स के हाथों में, उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नाउ द वर्ड इज कैनिबल। कैनिबल मतलब नरभक्षी। कैनिबल देख लीजिए, एक ही बार में पढ़ना आपको लिखा है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। फ्लेश मतलब मांस। नरभक्षी क्या मतलब, क्या नर का भक्षण करने वाला, खाने वाला, तो यहाँ पे ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव, और नर भी कहेंगे मानव को, तो नर का मांस खाने वाले को क्या कहते हैं, नरभक्षी, कैनिबल कहते हैं। अब है कैटालॉग। कैटालॉग मतलब सूची पत्र, जो 1 2 3 4 5 6 करके होता है ना सीरियल नंबर, उसे बोलते हैं कैटालॉग। 1 पे इकोनॉमिक्स का बुक, 2 पे हिस्ट्री का बुक, 3 पे कंप्यूटर का बुक, 4 पे कोडिंग का बुक, तो ये सब क्या है, एक कैटलॉग है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची को बोलते हैं कैटलॉग। नाउ द व्हाट इज कार्डियोलॉजिस्ट। दो बार में पढ़िए, कार्डियो और फिर दूसरी बार में लॉजिस्ट। हिंदी है हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट की हिंदी हृदय रोग विशेषज्ञ। कैसे, अ पर्सन हु इज वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड बार बार आएगा, वेल वर्स का हिंदी समझ लीजिए, जहां भी वेल वर्स रहेगा उसकी हिंदी रहेगी निपुण। अ पर्सन हु इज वेल वर्स, एक पर्सन जो निपुण होता है, इन मैटर्स ऑफ, इन द मैटर रिलेटिंग टू हार्ट्स, हृदय से संबंधित विषयों में, एक पर्सन जो हृदय से संबंधित विषयों में निपुण होता है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। नाउ कम्स 35th। सिमेट्री ग्रेवयार्ड। सिमेट्री बोलते हैं आप, देख लीजिए CEMETERY, TRY नहीं, TERY, यहाँ ध्यान रखना है, ये बहुत बेहतरीन है मिस स्पेल्ड के लिए। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान या शमशान, दोनों का मतलब यही होता है, कब्रिस्तान या शमशान। अ प्लेस फॉर ब्यूरियल ऑफ डेड बॉडीज, जहाँ पे मृत शरीरों को, डेड बॉडीज को गाड़ते हैं उसे कहते हैं सिमेट्री चाहे ग्रेवयार्ड। ध्यान रखिए गाड़ते हैं, उससे बोलते हैं सिमेट्री या ग्रेवयार्ड। नाउ कम्स 36 सेंचुरी। 36 इज सेंचुरी, आप जानते हैं क्रिकेट में बहुत यूज होता है सेंचुरी, मतलब किसी ने 100 का स्कोर कर दिया उसे सेंचुरी बोलते हैं।
ऐसे ही 100 ईयर्स 100 साल को भी बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी 100 साल चाहे 100 रन चाहे कोई भी चीज 100 की संख्या में होती है तो उसे बोलते हैं सेंचुरी। नाउ दिस इज कलिग। देखिए स्पेलिंग डिफिकल्ट है, पढ़ना बहुत आसान है। COLLEGU याद रखना है आपको। जब आप जॉब कर लेंगे तो आपके साथ जितने काम करने वाले होंगे उन सबको आप कहेंगे क्या कि आपके वे कलीग हैं। कलीग मतलब सहकर्मी, सहकर्मी। अ पर्सन वर्किंग इन द सेम इंस्टीट्यूशन, पर्सन जो समान इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है ABC, स्कूल के जितने स्टाफ हैं सारे के सारे एक साथ क्या कहलाएंगे, सहकर्मी कहलाएंगे। हाँ कोई कंपनी है, कंपनी मान लेते हैं कोई XYZ कंपनी है, XYZ में अगर यहाँ पे सी काम कर रहा है तो कहेंगे कि इस कंपनी के जो स्टाफ हैं सी के कलीग हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पे जो आपके साथ सारे काम करने वाले होंगे उसे कहेंगे कि वे आपके कलीग हैं। नाउ कंडक्टर मतलब संवाहक, संवाहक या उपचालक दोनों सही है। तो बस का चाहे ट्रेन का जो फेयर कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं कंडक्टर। अ पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर्स ऑन अ बस और ट्रेन, जो बस पे और ट्रेन पे फेयर कलेक्ट करते हैं उन्हें कंडक्टर संवाहक कहते हैं। ऐसे ट्रेन वाले को तो आप जानते हैं TT कहते हैं, लेकिन बुक में बहुत जगह पे ट्रेन भी लिखा हुआ है तो मैं छोड़ना उचित नहीं समझा। खाली बस भी रहेगा, अ पर्सन हु कलेक्ट्स फेयर्स ऑन अ बस कंडक्टर कहिए सही है। ट्रेन लिख देगा तो भी कह देंगे तो चलेगा, अगर टीटी नहीं लिखा है तो। नाउ कॉन्ग्रेगेशन, इसको पढ़ते हैं कॉन्ग्रे फिर गेशन। कॉन्ग्रेगेशन की हिंदी होती है मंडली। मंडली किसकी, श्रद्धालुओं की। वर्शिपर्स, वर्शिपर का मतलब होता है श्रद्धालु, पूजा करने वाले। तो श्रद्धालुओं का जो झुंड होता है, दल होता है, असेंबली होती है उसे कहते हैं कॉन्ग्रेगेशन। अन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स कॉन्ग्रेगेशन याद रखिएगा। नाउ सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित रहने की स्थिति कहलाती है ब्रह्मचर्य। अगर किसी का उम्र 30 ईयर्स है और वह विवाह नहीं हुई है उसकी तो उसे क्या कहेंगे कि वह ब्रह्मचर्य है, लेकिन जैसे ही उसकी विवाह हो जाएगी ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, अविवाहित रहने तक की स्थिति कहलाती है सेलिबेसी ब्रह्मचर्य। अनमैरिड लिखेगा तभी चलेगा, अनमैरिड ऐसे यहाँ पे है लिखेगा नहीं और इतना आसान देखा नहीं है। नाउ 41st इज सेलिबेट। सेलिबेट मतलब ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य क्या थी, एक स्टेट थी, स्टेट मतलब स्थिति। अविवाहित रहने की जो दशा होती है उसे ब्रह्मचर्य बोलते हैं। अब ब्रह्मचारी मत जो उस दशा का पालन करते हैं, ये नाउन हो जाएगा। अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सेलिबेसी, एक पर्सन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, प्रैक्टिसेस मतलब पालन करता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। सेलिबेट एक ही बार में पढ़ना है इसको आपको, सेलिबेट ओनली वन सिलेबल। नाउ द वर्ड इज वेरी डिफिकल्ट इन रिमेम्बरिंग स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड, फिर भी देखिए कितना आसान करते हैं। को नोई, को NNOI नोई, सर SSER को नोई सर, तीन बार में पढ़ लीजिए इसे, अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो स्पेलिंग याद हो जाएगा। को नोई सर, नोई में डबल N, सर में डबल S, NNOI SSER हिंदी होती है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ का हिंदी में समझते हैं आप, जिनको विशेष जानकारी होती है उसे बोलते हैं विशेषज्ञ, राइट। देखते हैं अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब योग्य। एक पर्सन जो योग्य होता है टू पास देने में, क्रिटिकल जजमेंट गंभीर निर्णय, जजमेंट मतलब निर्णय और क्रिटिकल मतलब गंभीर,
गंभीर निर्णय देने का योग होता है जो पर्सन अपॉन एनीथिंग किसी भी वस्तु पे, उस पर्सन को बोलते हैं विशेषज्ञ को नोइसर कॉस्मोपोलिटन। अनदर वन इज कॉस्मोपोलिटन मतलब सर्वदेशीय, सभी देश के सभी भागों में लागू होना चाहे व्याप्त होना कॉस्मोपोलिटन कहलाएगा। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देशी नहीं यहाँ पे वर्ल्ड कह दिया है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड संसार के सभी भागों से संबंधित होना कहलाता है, बिलोंग करना संबंधित होना कहलाता है कॉस्मोपोलिटन। क्या कहलाता है? कॉस्मोपोलिटन। जैसे एक है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, हुआ क्या है कि सन जिधर से राइज करते हैं उसको ईस्ट डायरेक्शन मान लिया गया है। तो अब बताइए यह क्या है, कॉस्मोपोलिटन है ना, किसी भी देश में जिधर से राइज करना है ईस्ट माना जाएगा, तो ये है कॉस्मोपोलिटन सर्वदेशीय। नाउ कंटेम्पररी मतलब समकालीन, पढ़ते कैसे हैं कंटेम्पररी, टेम्पररी मतलब जानते हैं और कन इसमें लगा दीजिए सी ओ एन कंटेम्पररी, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाएगा समकालीन। समकालीन का मतलब एक समय में होना, जैसे आपको बताता हूं अकबर थे, अकबर का तो नाम आप जानते हैं, और अकबर कहीं थे और एक कवि थे तुलसीदास, ये किसी और जगह थे, तो जब अकबर थे उसी वक्त तुलसीदास भी थे, तो कहेंगे अकबर और तुलसीदास समकालीन थे, कंटेम्पररी थे। अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, पर्सन रह रहा है सेम टाइम में दूसरे के समान, तो उसे बोलते हैं कंटेम्पररी समकालीन। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 45th क्रेडुलस, क्रेडुलस दोबारा में पढ़ लीजिए इसे, क्रेडुलस आशुविश्वासी, आशुविश्वासी मतलब आपने सुना होगा आंख बंद करके विश्वास कर लेने वाला, सोचता नहीं है, किसी ने बोल दिया उस पर विश्वभरोसा है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस आशुविश्वासी। अ पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव, अ पर्सन एक पर्सन जो तैयार तैनात क्या बोलते तत्पर होता है बिलीव करने में, आवश्यकता से भी तत्पर होता है, उसको बोल दिया जो बोल दिया वो मान लेता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उसको बोलते हैं क्रेडुलस आशु विश्वासी। नाउ द वर्ड इज कार्निवरस, कार्नि और फिर वरस मांसाहारी, हम अभी आगे पढ़ेंगे हर्बीवरस भी पढ़ेंगे, अभी कार्निवरस, कार्निवरस का उल्टा होता है हर्बीवरस शाकाहारी, कार्निवरस मतलब मांसाहारी, मांस का आहार करने वाला। ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख लेते हैं, एन एनिमल विच इट्स फ्लैश, जो मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं मांसाहारी, और कौन सा एनिमल, आप जानते हैं बायोलॉजी में मानव भी एनिमल है, हम भी खाते हैं, तो हम भी क्या कहलाएंगे कार्निवरस। नाउ डेड, डेड मतलब मृत, वो डेड नहीं जो हम समझ रहे हैं कोई पर्सन मर जाता है वो डेड नहीं, यहाँ पे दूसरा है। अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, एक भाषा जो कि अब नहीं बोली जाती है उसे बोलते हैं डेड लैंग्वेज। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप बार बार जानते हैं कि लैटिन भाषा एक होती है लेकिन आज के डेट में इसे कोई नहीं बोलता है, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। नाउ रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव पूर्व प्रभावी, पूर्व प्रभावी का मतलब पूर्व से प्रभाव में, पूर्व मतलब पहले से प्रभाव में। देखिए an effect which has reference to the past, एक प्रभाव जो अतीत से संबंधित होता है उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। इसको समझाना पड़ेगा, समझाते हैं, आज एक कानून बनाते हैं हम लोग, कानून बनाते हैं, कानून कैसा कि आज से हम रोज 2 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, हाँ ये हमारा कानून हो गया, आज से हम रोज 2 घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे, लेकिन आपको
पता रहना चाहिए कि हमने 10 दिन पहले से ही एक कानून का बात किया था कि 2 घंटा पहले शुरू कर देना है, और नहीं अभी रुक जाइए, आज से हम 2 घंटा रोज 2 घंटा पढ़ेंगे, यहाँ पे तो आज से हो गया तो कानून आज से लागू हो गई। लेकिन हम अगर कहते हैं कि यह जो टाइम है आज के पहले, आज इस वक्त कौन सा मंथ चल रहा है, इस वक्त है मार्च 21, जनवरी 21 हम कहते कानून बनाते हैं आज मार्च 21 में, और कहते हैं कि जनवरी 21 से सभी को फी पे करना है। हम 2 घंटा पढ़ेंगे छोड़ देते हैं, हम कहते हैं आज कानून बना के कहते हैं, और आज का डेट हो जाएगा 7 मार्च मान लिया, तो 7 मार्च 21 है डेट, तो हम कहते हैं आज कानून बना के कि सभी बच्चों को जनवरी 2021 से फी पे करना है। अगर हम कहें कि सभी बच्चों को आज के बाद आज से फी पे करना है इस कानून को, ये तो सही है, लेकिन हम पूर्व प्रभाव डाल रहे हैं, जनवरी 21 कह रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। कोशिश किया है समझाने का आपको। आगे डेमोक्रेसी लोकतंत्र, आप जानते हैं हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन चलती है उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी हमारे देश में है। डिक्टेटरशिप तानाशाही, 3 बार में पढ़ेंगे इसे। तानाशाही क्या, जो निरंकुश शासक होता है, एब्सोल्यूट मतलब निरंकुश, निरंकुश शासक के द्वारा जब सरकार चलती है तो उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। लेकिन पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या लिखा है, गवर्नमेंट कैरिड ऑन, कैरिड ऑन मतलब चलाई जा रही है, चलाई जाती है या जारी रहती है, बाय अन एब्सोल्यूट रूलर, निरंकुश शासन के द्वारा, मतलब वैसी सरकार जो एक निरंकुश शासक द्वारा चलती है उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप। आपको बताया था उदाहरण मुसोलिनी का, हिटलर का। नाउ कम्स 51st, डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मतलब औषधालय, औषध का घर, औषध प्लस आलय, औषध का घर जहां पे दवाई मिलती है, क्या बोलते हैं डिस्पेंसरी। स्पेलिंग बहुत इजी है, डिस याद रहेगा, पेन भी याद रहेगा सरी, हाँ लेकिन पढ़ेंगे एक ही बार में डिस्पेंसरी। प्लेस वेयर मेडिसिन आर गिवेन, जगह जहां पर मेडिसिन दिया जाता है, दी जाती है, उसे बोलते हैं डिस्पेंसरी। नाउ कम्स द वर्ड डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब आवास, आप जानते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले बनता था, अब ये खत्म हो गया है, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाना पड़ता है। तो डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, आवास। लेकिन डोमिसाइल का मतलब जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में लिखा है वो समझने लायक है, इसलिए इसको यहाँ पे लाया गया है। अ प्लेस वेयर पर्सन लिव्स परमानेंटली, जहां पर अस्थाई रूप से एक पर्सन रहता है, अ प्लेस जगह जहां पर एक पर्सन अस्थाई रूप से रहता है उसे कहते हैं डोमिसाइल, परमानेंटली वाला ये ध्यान रखना है, इसे डोमिसाइल कहेंगे। नाउ ड्रॉन, ड्रॉन मतलब अनिर्णित, आप मैच अगर देखते हैं तो टेस्ट मैच नॉर्मली ड्रॉन हुआ करते हैं, और निर्णित निर्णय निकलता है, कौन जीता कौन हारा पता ही नहीं चलता है, इसे बोलते हैं ड्रॉन। अ मैच इन विच नीदर पार्टी विंस, एक मैच जिसमें कोई भी पार्टी, नीदर पार्टी कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, इसे बोलते हैं ड्रॉन, अनिर्णित। नाउ द 54th इज प्रोबेबल, संभावित, प्रोबेबल, सम, आप मैथ्स अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी, संभाविता, वहीं से बना है, प्रोबेबल से ही प्रोबेबिलिटी बना हुआ है, तो यहाँ पे संभावित, दैट विच इज लाइकली टू हैपन, वह जो होने वाला है, वह जो होने वाला है उसे बोलते हैं प्रोबेबल। नाउ डर्मे, दिस इज डर्मा बट पढ़ेंगे डर्मे, टोलो डर्मे टोलॉजिस्ट, दोबारा में पढ़ लीजिए इसे, त्वचा रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा रोग विशेषज्ञ। वन हु इज वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड मतलब बताया था निपुण, वह जो निपुण होता है, इन द साइंस विच ट्रीट्स द स्किन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब बीमारी,
एलिमेंट्स है वो जो लिखा है वो एलिमेंट्स है AILMENTS। वन हु इज वेल बस वह जो निपुण होता है इन द साइंस विज्ञान में, दैट विच ट्रीट्स जो इलाज करती है स्किन एलिमेंट्स त्वचा की बीमारियों का, उसे बोलते हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट। नाउ कम्स 56 दैट इज डिले टेंटी, इसको पढ़ेंगे डिले टेंटी, कला प्रेमी, अन एडमायरर ऑफ फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स के जो प्रशंसक होते हैं उन्हें बोलते हैं डिलेटेंटी, कला प्रेमी। नाउ अनदर वन इज इगोइस्ट, इगोइस्ट मतलब स्वार्थी, ये वर्ड बहुत यूज होता है और हम सब में ये जो ईगो है ईगो बहुत अधिक होता है, ईगो का सही प्रयोग हम नहीं करते हैं, ईगो का गलत प्रयोग करते हैं। अगर ईगो हम में है ना, ईगो मतलब क्या, ईगो का मतलब होता है अभिमान, यहाँ पे इगोइस्ट का मतलब स्वार्थी जरूर है, स्वार्थ भी कह सकते हैं, लेकिन इसको अभिमान, इसका अभिमान तो अच्छा वर्ड है, इसको बोलेंगे घमंड, हम घमंड का सही प्रयोग बता रहे हैं आपको। अगर घमंड हम में है तो हमने किसी आईएएस अफसर को देख लिया या हमारा कोई रिलेटिव हमसे बड़े पोस्ट पर पहुंच गया है, अगर आप में ईगो है ना तो आप उसको पीछा कर देंगे, इसे बोलते हैं ईगो का सही प्रयोग करना। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ईगो से अपने से कमजोर के लोग कमजोर लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए इसे माना गया है गलत, इगोइस्ट मतलब स्वार्थी। अ मैन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, एक मैन, मैन जो थिंक्स सोचता है केवल अपने लिए, जो केवल अपने लिए सोचता है उसे स्वार्थी ही तो बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं। नाउ एमिग्रेंट, एमिग्रेंट मतलब प्रवासी, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, इसको बोलते हैं एमिग्रेंट, एल्सवेयर मतलब और कहीं, और कहीं, एल्सवेयर इसको एल्स पढ़ते हैं। वन हु लीव्स वह जो छोड़ता है हिज कंट्री अपना देश, टू सेटल एल्सवेयर कहीं और बसने के लिए सेटल होने के लिए, उसे बोलते हैं एमिग्रेंट। थोड़ा इसको समझिए क्योंकि एक और वर्ड आएगा आपके लिए, उसको उसके लिए भूमिका भी हो जाएगा और यह भी क्लियर हो जाएगा, वह भी क्लियर हो जाएगा, एमिग्रेंट और फिर इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। देखिए इंडिया से कोई गया द UAE, देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, कहां से, इंडिया से कोई गया, तो जो इंडिया से जाएगा UAE वो व्यक्ति ए काम कर रहा है, ए इंडिया का है जो इंडिया से UAE जा रहा है। अब जो एमिग्रेंट है समझते हैं, वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, वह जो अपना देश छोड़ता है कहीं और बसने के लिए, तो कौन छोड़ रहा है देश, ए छोड़ रहा है, तो ए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एमिग्रेंट। अब जब इमिग्रेंट पढ़ेंगे आप आगे तो यही ए यूएई में कहलाएगा इमिग्रेंट, जिस देश का है उस देश में कहलाएगा इमिग्रेंट और जिस देश में गया है उस देश में कहलाएगा इमिग्रेंट, हिंदी तो एक ही होगी प्रवासी, शायद आप समझ गए होंगे। नाउ इटर्नल मतलब अनंत, जिसका अंत नहीं होता है, हैविंग नो बिगनिंग और एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व का नहीं होना, शुरुआत या अंत, शुरुआत या अंत नहीं होना या पता नहीं होना, उसे बोलते हैं अनंत, जैसे आकाश अनंत है। नाउ हर्बेरियम, हर्बेरियम दोबारा पढ़ेंगे, वनस्पतियों का संग्रह इसका हिंदी होता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, सिंपल है, तो कलेक्शन ऑफ प्लांट्स जो होता है संग्रह होता है उस संग्रह को कहते हैं हर्बेरियम। नाउ 61st नंबर, 61st नंबर है एक्सटेम्परी, देखिए EXTEMPORE पढ़ते हैं इसे एक्सटेम्परी, ऊपर लिखा हुआ है
इसका मतलब है बिना तैयारी का। जो भाषण हम बिना तैयारी का दे देते हैं, कहीं खड़े हो गए और फिर बोलना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं एक्सटेम्परी, बिना तैयारी का। अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का मतलब क्या होता है, एक भाषण बिना तैयारी का जो देते हैं। जैसे आप बहुत से होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ उनके सामने शीट होता है, पेपर शीट होता है, उस पर देखकर पढ़ते हैं, उसे एक्सटेम्परी नहीं बोलेंगे। कुछ लोग खड़े हो गए, बोलना शुरू कर दिया, भाषण देना शुरू किया, उसे बोलते हैं एक्सटेम्परी। ध्यान रखेंगे POR परी पढ़ेंगे, पोर नहीं पढ़ेंगे, स्टेम्पोर नहीं पढ़ेंगे, स्टेम्परी पढ़ेंगे इसको। नाउ इफेमिनेट, इफेमिनेट, स्त्रैन, स्त्रैन की हिंदी का मतलब है स्त्री के समान, स्त्री के समान, स्त्रैन का मतलब है। तो इफेमिनेट मतलब स्त्री के समान। अ मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ विमेन, और है तो यहाँ पे भी विमेन होना चाहिए। अ मैन हु इज हैविंग क्वालिटीज ऑफ अ विमेन मतलब एक आदमी जिसमें एक औरत के गुण होते हैं उसे कहते हैं स्त्रैन। आपने देखा होगा कुछ लोग चलते हैं तो उनके बॉडी का मूवमेंट स्त्रियों जैसा होता है, कितने की आवाज स्त्रियों जैसी होती है। तो जिस मेल में या जिस मैन में स्त्रियों जैसा गुण होता है उन्हें कहते हैं स्त्रैन, इफेमिनेट। नाउ दिस इज फास्टिडियस, 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 दुराध्य, दुराध्य मतलब जिसे हासिल करना मुश्किल है या जिसे प्रसन्न करना मुश्किल। यहाँ पे है हार्ड टू प्लीज, प्लीज मतलब क्या होता है, प्लीज मतलब जानते हैं कृपया, वो तो होता ही है, खुश करना भी होता है जब यह वर्ब का काम करता है प्लीज, तब तो हार्ड टू प्लीज, खुश करना मुश्किल होता है जिसे, उसे बोलते हैं फास्टिडियस। आपने देखा हुआ स्कूल्स में अपने कि कुछ टीचर्स होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आप कितना भी अच्छा पढ़िए वो मुस्कुराते भी नहीं। हाँ, वो क्या है, वो फास्टिडियस है, दुराध्य है, हार्ड टू प्लीज है। नाउ फैटल, फैटल मीन्स घातक, घातक क्या, घातक कोई सामान हो सकता है, घातक कोई दुर्घटना हो सकती है, घातक कोई बात हो सकती है। तो दैट विच एंड्स इन डेथ, वह जो डेथ में खत्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डेथ होता है, मृत्यु होती है, उसे बोलते हैं घातक। हार्ट अटैक आता है तो जो अटैक आया और हार्ट अटैक जान लेकर चला जाए तो उसे बोलेंगे कि फैटल हार्ट अटैक। कोई दुर्घटना होती है और जान ले ले तो उसे बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट। कोई बात आप सुनकर आपको उससे आघात पहुंचा और आपके शरीर ने जवाब देना शुरू बंद कर दिया, उसको बोलेंगे फैटल, घातक, जो घात कर दे। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट में विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स, वह जो विश्वास करता है इन फेट, फेट मतलब भाग्य, जो भाग में विश्वास करता है, क्या कहेंगे, भाग्यवादी कहेंगे उसे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेटलिस्ट, फेटलिस्ट कहेंगे इसे, भाग्यवादी, जो भाग में विश्वास करेगा भाग्यवादी, फेटलिस्ट कहेंगे। और हम सबको फेटलिस्ट नहीं होना है, हम सबको हिम्मत से मेहनत करना है, पूरा मेहनत करना है, ये सब भाग वगैरह कुछ नहीं, मेहनत से भाग्य मजबूत होता है। आगे फोर्जरी, नेक्स्ट इज फोर्जरी, फोर्जरी का मतलब है जालसाजी, जालसाजी का मतलब जानते हैं, गलत तरीका, कुछ बात है ऐसा ही है। जब कोई पेपर लिखा हुआ होता है और उस पे सिग्नेचर होता है किसी का, आप क्या करते हैं कि आप वैसा ही चीज लिख कर हाँ, और अपना सिग्नेचर या किसी और का सिग्नेचर या उसका दूसरा सिग्नेचर करते हैं जो सही नहीं है, उसको बोलते हैं फोर्जरी। मतलब सही डॉक्यूमेंट के जैसा ही दूसरा डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट बनाना। हाँ, सिग्नेचर ऑफ समवनस नेम, किसी के नाम का सिग्नेचर, हस्ताक्षर, विदाउट हिज परमिशन, बिना उसके परमिशन का फोर्जरी कहलाता है। जैसे आपका प्रिंसिपल ने साइन किया और आप साइन करना है आपको, जैसे कि होता क्या है, अब्सेंटी रिपोर्ट, जो आप स्कूल नहीं जाते हैं तो टीचर्स बोलते हैं कि आपने घर से साइन करा के लाना, आप आवेदन पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं और अपने पापा का साइन खींच देते हैं, वो क्या है, आपके पापा का साइन नहीं किया, आपने अपने पापा का साइन किया बिना उनसे परमिशन का, बिना उनसे पूछे, यह कहलाता है फोर्जरी। नाउ फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड,
साइड हत्या मृत्यु भ्रातृ फ्रैट्रिसाइड मतलब भ्रातृ हत्या भ्रातृ मतलब भाई भाई की हत्या द मर्डर ऑफ वंस ओन ब्रदर खुद के ओन मतलब खुद के भाई का मर्डर कहलाता है फ्रैट्रिसाइड दो भाई हैं एक भाई ने दूसरे का मर्डर कर दिया कहलाएगा फ्रैट्रिसाइड नाउ फेमिनिस्ट महिलावादी महिलावादी मतलब महिलाओं के बारे में महिलाओं का विकास के बारे में महिलाओं की भलाई के बारे में उसको महिलावादी तो एक मेल अच्छा है एक फीमेल मेल भी महिलाओं के विकास की बात कर सकता है कल्याण की बात कर सकता है फीमेल भी महिलाओं के विकास और कल्याण की बात कर सकती है तो मेल हो चाहे फीमेल हो जो इनके कल्याण की बात करे उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वीमेन महिलाओं के कॉज का मतलब महिलाओं के अच्छाई का सपोर्टर जो होता है उसे कहते हैं फेमिनिस्ट चाहे वन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वीमेन वह जो डिवोटेड डिवोटेड मतलब समर्पित वह जो डिवोटेड वन हु इज डिवोटेड वह जो समर्पित होता है टू द वेलफेयर कल्याण के प्रति ऑफ वीमेन औरतों के उसे कहते हैं फेमिनिस्ट नाउ फेनेटिक इसे पढ़ते हैं एक ही बार में फेनेटिक उन्मादी उन्मादी आप जानते हैं उन्मादी हिंदी में पता है आपको उत्पात मचाते रहते हैं वन हु इज अफेक्टेड बाय एक्सेसिव एंथुसियाज्म स्पेशली इन रिलीजियस मैटर्स वन हु इज अफेक्टेड बाय वह जो प्रभावित होता है एक्सेसिव आवश्यकता से अधिक एंथुसियाज्म उत्साह से वह जो आवश्यकता से अधिक उत्साह से अफेक्टेड होता है प्रभावित होता है स्पेशली इन रिलीजियस मैटर्स धार्मिक मामलों में उसे बोलते हैं उन्मादी हाँ मान लीजिए कोई पार्टिकुलर धर्म का कोई आयोजन है एबीसी आयोजन हो रहा है अब ये जो आयोजन करता है दूसरे धर्म वालों को बी वालों को परेशान करें बी वालों को दिक्कत हो और बोले कि नहीं हम तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे इसको बोलते हैं कि जो लोग अधिक एंथुसियाज्म हो जाता है उसे बोलते हैं उन्मादी फेनेटिक नाउ ग्रेटिस ग्रेटिस मतलब मुफ्त मुफ्त तो समझाना नहीं है यहाँ देखिए विदाउट पेमेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पेमेंट का बिना भुगतान का अच्छा है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में मुफ्त कहते हैं नाउ कम 71st 71st इज गैरुलस दिस इज गैरुलस मतलब बातूनी जो बहुत अधिक बात करता है या करती है उसे बोलते हैं गैरुलस वन हु टॉक्स टू मच वह जो बात करता है टू मच बहुत अधिक उसे बोलते हैं गैरुलस हाँ टकैटिव भी इसका सिनोनिम है टकैटिव टकैटिव सिनोनिम है गैरुलस का नाउ जेनोसाइड जेनोसाइड मतलब नरसंहार नर मतलब आपने देखा था अभी होमिसाइड पहले देखा था होमी साइड मतलब ही नरसंहार था और जेनोसाइड मतलब ही नरसंहार है ध्यान रखिएगा सॉरी एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑफ अ होल रेस एलिमिनेटिंग मतलब खत्म कर देना एलिमिनेट करना खत्म कर देना जैसे जंगल में इधर छुपे रहते हैं एनिमी तो हमारे देश के सैनिक क्या करते हैं जाते हैं इन सब को एलिमिनेट कर देते हैं मतलब खत्म कर देते हैं किल कर देते हैं अब होल रेस संपूर्ण जात का ही इसको बोलते हैं जेनोसाइड जैसे मान लीजिए कि जंगल में जंगल की कहानी कह लेते हैं कोई आदिवासी संप्रदाय रह रहा है कोई ट्राइब है वहां पे और कुछ लोग कुछ हैं बिल्डर्स वगैरह कुछ उनका ग्रुप है ये सब गुंडे भेजकर इन सब को खत्म करवा दें अगर पूरा ट्राइब से नष्ट हुए जंगल में किसको क्या पता चलता है को कितने थे कितने मरे क्या हुए इसको बोलते हैं जेनोसाइड नाउ जर्मिसाइड मतलब रोगाणु नाशक जर्मिसाइड मतलब रोगाणु नाशक मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स जो जर्म्स को किल करे उसे कहते हैं रोगाणु नाशक नाउ जे गाय गायनो गायनी गायनो नहीं गायनी यहाँ गलत लिख दिया है गायने यहां से आएगा कोलोजिस्ट
गायनेकोलॉजिस्ट, इसको बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्रियों के बारे में जो स्त्रियों का जो रोग होता है उसकी विशेष जानकारी जिनके पास होती है उसे बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। वन हु इज वेल वर्स्ड, वह जो निपुण होता है इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का बता दिया हूं, फिर भी बीमारियां एलिमेंट्स है तो बीमारियां, जो औरतों की बीमारियों के विज्ञान में जो निपुण होते हैं उन्हें कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री भी पुरुष भी। अब जानते हैं बोल तो रहे हम सब मैस्कुलिन जेंडर में, लेकिन फेमिनिन का भी बोध समझेंगे आप। नाउ दिस इज होमिसाइड, होमिसाइड दूसरी बार आ गया ये, दिस इज माय मिस्टेक, होमिसाइड। यहाँ पे देखिए जेनोसाइड है नरसंहार, होमिसाइड मतलब ही नरसंहार। द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव जाति का किलिंग क्या कहलाता है, होमिसाइड। जेनोसाइड क्या, एलिमिनेटिंग और किलिंग ऑफ होल रेस। ये थोड़ा सा छोटा है होमिसाइड, एक दो लोग को मारते हैं तभी होमिसाइड कहला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100-200 को मारना पड़ेगा जेनोसाइड का नाम देने के लिए, मतलब बहुत लोग मरते हैं। नाउ कम्स 76, ऑनररी। ऑनररी मतलब अवैतनिक, इसमें एच साइलेंट होता है और फिर पढ़ते हैं ऑनररी। अवैतनिक मतलब बिना वेतन का। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, काम जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है, पे की जाती है, उसको बोलते हैं ऑनररी। नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज, मेहमान नवाज हॉस्पिटेबल। देखिए मेहमान जो आते हैं उन्हें कहते हैं गेस्ट, और जिनके यहाँ आते हैं उन्हें कहते हैं होस्ट। तो जिनको जिस होस्ट को मेहमान बुलाने की आदत होती है ना और खूब अच्छा लगता है उस होस्ट को कहते हैं हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज। फोंड ऑफ इंटरटेनिंग गेस्ट, गेस्ट को आनंदित करने का जो शौक होता है उसे बोलते हैं हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाज। नाउ हर्बीवोरस, आपने कार्निवोरस देख लिया है मांसाहारी, उसका ऑपोजिट है हर्बीवोरस शाकाहारी। एनिमल लिविंग ऑन प्लांट्स, एनिमल जो प्लांट्स पे निर्भर करते हैं उसे बोलते हैं हर्बीवोरस। नाउ ये वर्ड देखिए, ये अगर आज है मिस स्पेल्ट में तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन देखिए सिंपल करते हैं। HYPO हाइपो, कॉन CON कॉन, DRIAC ड्रिएक, ड्रिएक हाइपोकॉन्ड्रिएक, तीन बार में पढ़िए इसको, हाइपोकॉन्ड्रिएक। रोग भ्रमी, रोग भ्रमी क्या, रोग का भ्रम, उसको रोग नहीं है उसको भ्रम है उसे बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिएक। देखिए वन हु हैज एग्जैजरेटेड एंजाइटी ओवर वंस हेल्थ, एग्जैजरेटेड मतलब अतिशय, एंजाइटी मतलब चिंता। तो वह वन हु हैज, वह जिसे होती है अतिशय चिंता अबाउट वंस हेल्थ, अपने हेल्थ की अतिशय चिंता होती है, नहीं करनी चाहिए उतनी चिंता होती है। और जैसे कहा शब्द से रोग भ्रम में, रोग नहीं है वो भ्रम में रहता है उसको रोग है, हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं। नाउ दिस इज हिपक्रिट, हाइपो नहीं पढ़ेंगे, HYPO हाइपो जैसा ही है लेकिन इसे बोलेंगे हिप, हिपक्रिट बोलेंगे इसे, हिपक्रिट पखंडी। पखंडी का मतलब क्या, जो दिख रहा है वैसा नहीं है, और खराब अर्थ में। ऐसे कुछ लोग बहुत साधारण से दिखते हैं और विद्वान होते हैं उनको पखंडी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग विद्वान जैसा दिखते हैं और होते हैं बुद्धू उनको हिपक्रिट पखंडी जरूर कहेंगे। देखिए वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, वन हु प्रिटेंड्स वह जो दिखावा करता है, प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, वह जो दिखावा करता है, टू बी होने का, व्हाट ही इज नॉट जो वह है नहीं। जैसे कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है तो हम क्या समझेंगे, साधु महात्मा सैंट, सैंट कोई गलत काम नहीं करते हैं, और रात को वो चोरी करता है तो क्या कहेंगे कि हिपक्रिट है वो, हिपक्रिट पाखंडी। नाउ कम्स 81st, 81st इज इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ, अनभिज्ञ हिंदी भी मुश्किल है क्योंकि हम इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। अनभिज्ञ का मतलब होता है अन
जानना, जिसको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ बोलते हैं, इग्नोरेंट बोलते हैं। वन हु लैक्स नॉलेज, वह जिसे कमी होती है, लैक्स मतलब कमी होती है, नॉलेज ज्ञान की, जिसे ज्ञान की कमी होती है, क्या कहेंगे उसे, इग्नोरेंट कहेंगे। देन द वर्ड इज इलिसिट, इलिसिट मतलब अवैध, मतलब वैध नहीं, कानून के अनुसार नहीं, कानून के अनुसार नहीं तो भी अवैध बोलते हैं। जो लॉ के अनुसार होता है उसे क्या कहते हैं, वैध, और जो लॉ के अनुसार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अवैध। तो प्रोहिबिटेड बाई लॉ, लॉ के द्वारा मना किया हुआ, निषिद्ध, जो लॉ के द्वारा निषिद्ध होता है वो होता है अवैध। जैसे जुआ खेलना लॉ में परमिटेड नहीं है, तो गैम्बलिंग क्या हो गया, अवैध। लेकिन वही आप कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, यह क्या हो गया, लॉ ने परमिट कर रखा है इसलिए वैध, और जुआ खेलने को परमिट नहीं कर रहा है इसलिए प्रोहिबिट कर रखा है, इसलिए कहेंगे अवैध, इलिसिट। नाउ इनएडमिसिबल, इनएडमिसिबल, सेबल नहीं सिबल, ध्यान रखना है यहाँ पे। अप्रवेश्य, अप्रवेश मतलब प्रवेश नहीं करने योग्य, प्रवेश नहीं करने योग्य, चार शब्द अप्रवेश का मतलब होगा। प्रवेश्य मतलब प्रवेश करने योग्य, अब ओ है तो नहीं, प्रवेश नहीं करने योग्य। हिंदी का समझ गए तो इंग्लिश भी समझ में आएगा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड, दाखिल होने में असमर्थ, दाखिल होने में, एडमिशन मतलब दाखिल होना जानते हैं आप, तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग एडमिटेड, दाखिल होने में असमर्थ, जिधर इनकैपेबल आएगा ना वहां पे आप असमर्थ हिंदी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी इनकैपेबल शुरू हो गया है। तो दाखिल होने में असमर्थ अर्थात अप्रवेश। नाउ अरक्षणीय, दैट इज इनडिफेंसिबल, डिफेंसिबल मतलब रक्षणीय होता है, और इन लगा देंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाता है, इनडिफेंसिबल अरक्षणीय। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड, इनकैपेबल असमर्थ, रक्षा करने में असमर्थ होना, असमर्थ होने योग्य होना, ये कहलाएगा अरक्षणीय, इनडिफेंसिबल। नेक्स्ट इज इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल मतलब अपरिहार्य, ये भी कठिन हिंदी है, अपरिहार्य मतलब जिसे टाला नहीं जा सके, इस अपरिहार्य का हिंदी में मीनिंग होता है जिसे टाला नहीं जा सके, करना ही करना है, कंपल्सरी है अपरिहार्य, इनडिस्पेंसेबल। मैं यहाँ पे सीबल लिखा हूं, गलत है, सेबल होगा। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिस्पेंस्ड विद, डिस्पेंस विद मतलब निपटने में, निपटने में असमर्थ होना कहलाता है इनडिस्पेंसेबल। नाउ 86th इज इनडिविजिबल, डिविजिबल तो आप जानते हैं डिवाइड से बना हुआ है, भाग देने से बना है, अविभाज्य, जिसको बांटा ना जा सके। इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, बांटने में असमर्थ होना या जिसे बांटा ना जा सके। नाउ एक्सक्यूजेबल का है निगेटिव इनएक्सक्यूजेबल, दो बार पढ़ेंगे, और अक्षम्य, एक्सक्यूज अक्षम्य पूरा होगा पता नहीं, ठीक है जो भी है हिंदी देख लीजिएगा। इनएक्सक्यूजेबल मतलब अक्षम्य, एक्सक्यूजेबल मतलब एक्सक्यूज करने योग्य, एक्सक्यूज कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, और इन है तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सक्यूज्ड, तो असमर्थ होंगे माफ करने में, असमर्थ होने की स्थिति, या जस्टिफाइड मतलब सही ठहराने में असमर्थ होने की स्थिति कहलाएगी इनएक्सक्यूजेबल। नाउ इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, इसको पढ़ेंगे, इनएग्जॉस्टिबल मतलब अथक, अथक मतलब बिना थके हुए, बिना थके हुए। इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड आउट, टायर्ड आउट मतलब थकना, थकने में असमर्थ, थक ही नहीं सकता है, इसको क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टिबल।
नाउ जब पढ़ने में मन लगता है हम सबका, तो हम कितना खत्म कर जाते हैं, समझ में नहीं आता है, उसको कहते हैं इन एग्जॉस्टिबल स्टडीज। नाउ अकथनीय मतलब इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लेन्ड, वर्णन करने में असमर्थ, कहने में असमर्थ, वर्णन करने मतलब किसी चीज के बारे में विस्तार से बताने में असमर्थ कहलाएगा इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल। पढ़ें कैसे, इनएक्सप्ली और फिर केबल डाल दीजिए। नाउ फिर से अकथनीय होगा, लेकिन इसका इंग्लिश है इनएक्सप्रेसिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड ऑन वर्ड्स, शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना होता है, शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ को बोलते हैं इनएक्सप्रेसिबल अकथनीय। नाउ कम्स 91st, 91st क्या है, अचूक, अचूक मतलब इनफेलिबल, इनफेलिबल फेल होने में असमर्थ, अचूक फेल हो ही नहीं सकता है, नॉट बीइंग एबल टू मेक अ मिस्टेक, गलती एक भी गलती करने में समर्थ नहीं होना, मतलब गलती करना ही नहीं है, इसको बोलते हैं इनफेलिबल अचूक। नाउ शिशु हत्या दैट इज इनफैंटिसाइड, इनफैंटिसाइड शिशु हत्या, द मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात बच्चा का मर्डर क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड होता था। जब अंग्रेजों के जमाने में कुछ हमारे देश के कुछ रीजन थे जहाँ पे गर्ल चाइल्ड के पैदा होते ही गर्ल चाइल्ड को एक दूध से भरे टब के अंदर डाल दिया जाता था मंत्रोच्चार के बीच, और तब तक गर्ल चाइल्ड अंदर रहती थी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ जाते थे। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। नाउ इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील, इनफ्लेमेबल ज्वलनशील, कैपेबल ऑफ बीइंग इजिली सेट ऑन फायर, सेट ऑन फायर मतलब आग लगना, आग लग आसानी से आग लगने में, इजिली सेट ऑन फायर मतलब आसानी से आग लगने में कैपेबल समर्थ, इसे कहेंगे इनफ्लेमेबल ज्वलनशील। कीटनाशी जानते हैं आप, इंसेक्टी और फिर साइड, इंसेक्टी और साइड, इंसेक्टीसाइड, इंसेक्ट मतलब कीट होता है तो साइड जोड़ देना है हमें थोड़ा सा चेंज करके उसमें, अ सब्सटेंस दैट किल्स इंसेक्ट्स, अच्छा अब मेडिसिन दैट किल्स इंसेक्ट्स कुछ भी होता, तो ऐसा पदार्थ जो इंसेक्ट्स को किल करता है उसे बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक। नाउ नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल अजय, इनसरमाउंटेबल अजय, अजय मतलब जिससे कोई जीत नहीं सकता है, इनकेबल ऑफ बीइंग ओवरकम, ओवरकम मतलब बस में होने में असमर्थ होना, बस में होने में असमर्थ होना मतलब हारेंगे तभी तो बस में होंगे, जीत ही नहीं जीतेंगे, फिर इसको बोलते हैं इनसरमाउंटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसको मिस स्पेल्ड में पूछता है बार बार। नाउ 96 कम्स दिस इज इमिग्रेंट मतलब आप्रवासी, प्रवासी चाहे आप्रवासी एक ही बात है, इमिग्रेंट पढ़ते हैं, आपने इमिग्रेंट पढ़ लिया है, पहले बता दिया था मैंने कहानी कह के कि हमारे देश में हमारे देश का आदमी कोई जाता है यूएई तो हमारे देश के लिए वह कहलाएगा इमिग्रेंट और यूएई के लिए कहलाएगा इमिग्रेंट। वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू अ फॉरेन कंट्री, वह जो आता है अस्थाई रूप से बसने के लिए फॉरेन कंट्री में तो उस फॉरेन कंट्री में उसे कहा जाता है एमिग्रेंट, आप्रवासी। नाउ इम्पेनेट्रेबल, इम्पेने और फिर ट्रेबल अभेद्य, अभेद्य मतलब जिसे भेद नहीं सकते हैं, जिसे भेद नहीं सकते हैं अभेद्य उसी को कहेंगे।
तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड, पेनिट्रेटेड जैसे एक प्लास्टिक का बैग होता है, सपोज ए प्लास्टिक का बैग है, हाँ, इसमें आप पिन से पेनिट्रेट कर दीजिए, तो जब पिन से पेनिट्रेट करेंगे तो इसमें अगर पानी इसके अंदर है तो पानी इसमें से आना शुरू होता है, तो इसी को पेनिट्रेशन इसी को कहते हैं, छेद करना, भेदना पेनिट्रेशन कहते हैं। तो इनकेपेबल ऑफ बीइंग पेनिट्रेटेड अभेद जिसको पेनिट्रेट छेद नहीं कर सकते उसे बोलते हैं इम्पेनेट्रेबल। नाउ कम्स 98, दैट इज इम्परसेप्टिबल, इम्परसेप्टिबल मतलब अगोचर, गोचर मतलब क्या, जो आंखों के सामने होता है उसे गोचर, और जो आंखों के सामने नहीं होता है उसे अगोचर कहते हैं। तो क्या कहेंगे, इनकैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, सेंसेस हमारे पांच हैं, तो उनके द्वारा आंख कान नाक ये सब के द्वारा नहीं हम परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, परसीव करना मतलब समझना, तो इसको बोलते हैं इम्परसेप्टिबल मतलब अगोचर। नाउ दिस इज ई रिकवरेबल, ई रिकवरेबल, रिकवरेबल ई रिकवरेबल उल्टा हो जाता है, आप जितना देख रहे हैं ना, जैसे इसको इमिग्रेंट को छोड़ देते, इम्पेनेट्रेबल, पेनेट्रेबल का उल्टा इम है, इम्पेनेट्रेबल है, परसेप्टिबल का उल्टा इम्परसेप्टिबल है, ऐसे ही रिकवरेबल का उल्टा ई रिकवरेबल है, राइट। तो ला वसूल, जिसे हम वसूल नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं ला वसूल, ला वसूल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड, रिकवर करने में असमर्थ होना। नाउ द हंड्रेड वन इज ई, ई इसको ई खाली पढ़ेंगे, रिवोकेबल, अटल, रिवोक नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं, रिवोक मतलब खत्म करना, तो जिसे खत्म नहीं कर सकते क्या है, अटल है, तो इनकेपेबल बीइंग अल्टर्ड बदल नहीं सकते हैं, बदलने में असमर्थ होना कहलाता है इरिवोकेबल। हंड्रेड, नाउ द हंड्रेड फर्स्ट इज लिंग्विस्ट पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट की हिंदी है भाषाविद, पढ़ते हैं इसे लिंग्विस्ट और इसे दो बार हम पढ़ते हैं पॉली एंड देन ग्लॉट, भाषाविद, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, वह जो जानता है अनेक भाषाएं, वह जो अनेक भाषाएं जानता है उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट या पॉलीग्लॉट। द नेक्स्ट इज लॉजिक, लॉजिक की हिंदी है तर्क, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स थोड़ा सा डिफरेंट है। द साइंस ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, तर्क का विज्ञान, तर्क के विज्ञान को कहते हैं लॉजिक, द साइंस ऑफ रीजनिंग कहते हैं लॉजिक, लेकिन हिंदी में केवल एक शब्द तर्क रखते हैं। नाउ मैमल, मैमल मतलब स्तनधारी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, मैमल में स्पेलिंग याद रखेंगे आप, एम ए डबल एम ए एल, मैमल, ये स्पेलिंग आपको याद रखना है। अन एनिमल दैट गिव्स सक टू हर यंग, सक गिव्स सक मतलब दूध पिलाती है, दूध पिलाती है, an animal वह जानवर that जो दूध पिलाती है, किसे, to her young, young मतलब बच्चा, अपने बच्चे को, वह जानवर जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है क्या कहते हैं, मैमल, जितने जानवर हैं जो दूध पिलाते हैं मैमल में आते हैं। Now the another word is martyr, मार स्पेलिंग याद रहेगा मार, लेकिन टीयर का स्पेलिंग ध्यान रखना है, टी वाई आर, टीयर, मार्टियर, शहीद हिंदी है, शहीद किसे कहते हैं हम जानते हैं, जो अपने देश के लिए या जो कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए अपना जान न्योछावर करता है उसे बोलते हैं शहीद। देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु वह जो अंडरगोज गुजरता है द पेनल्टी ऑफ डेथ मौत की सजा से, वह जो मौत की सजा से गुजरता है, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ के हिंदी है दो शब्द, के लिए जहां भी आएगा के लिए ही हिंदी होती है, वह जो मौत की सजा से गुजरता है के लिए, क्या के लिए, अ ग्रेट कॉज, एक महान कारण के लिए, एक महान कारण के लिए, वो महान कारण क्या हो सकता है, देश की रक्षा भी हो सकता है,
वह महान कारण उस जगह की रक्षा करना जिसके लिए उसको पैसा मिला है, नियुक्ति हुई है, कुछ भी हो सकता है, जिस पर्पस से वो वहां पे है उस पर्पस को फुलफिल कराने के लिए भी वो शहीद हो जाता है, तो उसे बोलते हैं मार्टियर शहीद। नाउ द वर्ड इज मैटिनी, मैटिनी मतलब मैटिनी, ये इंग्लिश में ही इसका हिंदी रहेगा मैटिनी। जब हम दोपहर में मूवी देखते हैं उस शो को कहते हैं मैटिनी, मैटिनी शो। देखिए, आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ अ सिनेमा और थिएटर, सिनेमा का चाहे थिएटर का जो आफ्टरनून में दोपहर में दो जो परफॉर्मेंस होता है उसे बोलते हैं मैटिनी, बोलते हैं उसे मैटिनी शो। जो मूवी देखने जाते होंगे तो आप प्रिफर करते हैं कि 2 बजे वाला शो लेंगे, वो दैट इज मैटिनी शो। नाउ मैट्रिसाइड मतलब मातृ हत्या, आप जानते हैं साइड जिधर आएगा हत्या आना चाहिए हिंदी में और मर्डर आना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, है दोनों जगह है। मैट्रि आप समझ रहे हैं मातृ, मतलब अपनी माँ की हत्या जब हम कर देते हैं, कोई कर देता है तो उसको क्या कहलाएगा, कहा जाएगा कि उसने मैट्रिसाइड किया, मातृ हत्या किया। इंग्लिश में है द मर्डर ऑफ वन्स वन्स ओन मदर, अपने खुद की माँ की हत्या कहलाएगा मातृ हत्या। नाउ द अनदर वन मिसनथ्रोप, इसे बोलते हैं मिसनथ्रोप, 2 बार में पढ़ते हैं इसे, मिसन पढ़ लेंगे और फिर थ्रोप पढ़ेंगे, थ्रोपे नहीं थ्रोपी नहीं, थ्रोप ये ध्यान रखिएगा। मनुष्य द्वेषी, मनुष्य द्वेषी से मतलब क्या हुआ, जो मनुष्य द्वेष करता है घृणा करता है उसे मनुष्य द्वेषी। आप जानते हैं घृणा करता है चाहे घृणा करती है दोनों जेंडर के लिए बात लागू हो रहा है, मैं पहले से समझा दिया हूं। तो वन हु हेट्स, वह जो घृणा करता है मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव से मनुष्य से, वह जो मनुष्य घृणा करता है, हेट मतलब घृणा, तो क्या हो गया, मनुष्य द्वेषी हो गया, मिसनथ्रोप हो गया। नाउ द अनदर वन इज मोर्टल, मोर्टल मतलब नश्वर, नश्वर मतलब नाश होने वाला, जैसे हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी, हम नश्वर हैं। कोई वस्तु हमारे पास, जैसे कोई वेजिटेबल आपके सामने अगर दिख रही है तो उस वेजिटेबल को या तो हम खाकर नाश कर देंगे नहीं तो सर गल कर नष्ट हो जाएगा, नश्वर होता है। तो सब्जेक्ट टू डेथ, सब्जेक्ट का मतलब होता है के अधीन, यहाँ पे इसका मतलब रखेंगे के अधीन, सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं विषय, विषय खाली उसका मतलब नहीं होता है, यहाँ पे के अधीन। सब्जेक्ट टू डेथ मतलब मृत्यु के अधीन, जो कुछ भी होता है मृत्यु के अधीन का मतलब जिनका मृत्यु अवश्यम भावी है, होना ही होना है, कहते हैं मोर्टल नश्वर। इसका अपोजिट भी होता है इमोर्टल। स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि सोल जो है इमोर्टल होता है, सोल इमोर्टल होता है, मतलब ये सब विज्ञान की बातें नहीं है, तो दिस इज मोर्टल। नाउ द 109 इज म्यूजियम, आप सब जानते हैं म्यूजियम मतलब संग्रहालय, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स देख लीजिए किसे म्यूजियम कहते हैं लिखा हुआ इसमें, बिल्डिंग ऑन विच, म्यूजियम एक बिल्डिंग है होता है, ऑन विच जिसमें ऑब्जेक्ट्स इलुस्ट्रेटिंग प्रदर्शित करते हुए, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स का मतलब आर्ट साइंस हिस्ट्री साइंस की वस्तुएं जहां पे प्रदर्शित करते हुए, मतलब इलुस्ट्रेटिंग सॉरी जहां पे वस्तुएं डिस्प्ले की जाती हैं, आर्ट डिस्प्ले रखी जाती हैं, आर्ट हिस्ट्री साइंस को प्रदर्शित करने वाली, जहाँ पे इतिहास को विज्ञान को कला को प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं रखी जाती है उस बिल्डिंग को कहते हैं म्यूजियम, ये ध्यान रखेंगे आप। ऐसे एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको कर देंगे, अगर म्यूजियम का एक बार भी आपने पढ़ा है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को तो आपको ध्यान उस वक्त आ जाएगा। नाउ मैनुस्क्रिप्ट, मैनुस्क्रिप्ट एक बार में पढ़ लीजिए, मैनुस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि इतिहास जानकारी का स्रोत पांडुलिपियां हैं, मैनुस्क्रिप्ट्स हैं। उस वक्त लोग किसी वस्तु पर, वृक्ष की छाल पर, वृक्ष की पत्तियों पर अपने पेन से कुछ कुछ लिख दिया करते थे,
तो जिस भी वस्तु पे लिख लिख देते हैं हम, वो बन जाती है मैनुस्क्रिप्ट। और लिखने के लिए इसमें है कि हाथ से लिखना होता है, बाई हैंड होना होता है, हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। अब जो बुक प्रिंट होकर हमारे सामने आता है, हम पढ़ते हैं, दैट मे नॉट बी कॉल्ड मैनुस्क्रिप्ट। अ पेपर रिटन बाई हैंड, पेपर जो हाथ से लिखित होता है उसे कहते हैं मैनुस्क्रिप्ट। पांडु लिपि हिंदी है। नाउ कम्स 111th, दैट इज मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट देखिए लिखा हूं यहाँ पे, उच्चारण इसका मिसोजिनिस्ट। दो बार हम पढ़ेंगे, पहली बार में मिसो, बाद में पढ़ दीजिए जिनिस्ट को, मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब आप नारी द्वेषी। आपने इसके पहले एक वर्ड देखा मिसनथ्रोप, मनुष्य द्वेषी, मनुष्य द्वेष करने वाला। नाउ मिसोजिनिस्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नारी द्वेषी, बट इसको इतना हम बोल लेंगे कि याद हो जाएगा, मिसोजिनिस्ट, नारी द्वेषी। कैसे? तो अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, जो औरतों से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। तो पर्सन आपको बार बार बताता हूं, यह पर्सन कॉमन जेंडर में है। एक पुरुष भी औरतों से घृणा कर सकता है, एक स्त्री भी औरतों से घृणा कर सकती है। मतलब यह है कि मिसोजिनिस्ट कैन बी अ मेल और कैन बी अ फीमेल। तो मिसोजिनिस्ट मतलब नारी द्वेषी। नाउ दिस इज मोबो एंड क्रेसी। क्रेसी है तो हिंदी में तंत्र, और इधर इंग्लिश में गवर्नमेंट आना होता है। तो मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र। मोब मतलब क्या? मोब मतलब भीड़, हिंदी होती है मोब की भीड़। तो मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र। गवर्नमेंट रन बाय क्राउड, एक सरकार जो भीड़ के द्वारा रन की जाती है, चलाई जाती है, उसे कहते हैं मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र। नाउ द अनदर वन इज मेटिकुलस। इसे पढ़ते हैं मेटिकुलस, यहाँ लिखा हुआ है। मेटिकुलस का यूज बहुत करते हैं। हिंदी तो नुक्ताचीन है, नुक्ताचीन मतलब एक तरह से कहें कि बाल की खाल निकालना, उस तरह की बात होगी। लेकिन मैं दूसरे उदाहरण से इस वर्ड को समझाऊंगा, पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं। अ पर्सन हु इज टू केयरफुल फॉर डिटेल्स और फास्टिडियस। फास्टिडियस का तो आपने देखा था, जो हार्ड टू प्लीज, फास्टिडियस जो हमने पढ़ा था इसी मतलब लेक्चर में देखा है वर्ड, इस वन वर्ड के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स था हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना बहुत ही मुश्किल है, फास्टिडियस बोलते हैं। अब फिर से पढ़ते हैं, पर्सन, एक पर्सन हु इज टू केयरफुल, जो आवश्यकता से अधिक सावधान होता है, फॉर डिटेल्स जानकारियां, या जानकारियां देने में, या फास्टिडियस होता है, उसे बोलते हैं मेटिकुलस। देखिए आप जो एग्जाम्स के फॉर्म निकलता है, मान लीजिए कि एसएससी का फॉर्म निकलता है, तो आप उसे जब फिलअप करते हैं तो एक एक डिटेल्स को बहुत ध्यान से फिलअप करते हैं, और फिलअप करने के बाद सबमिट करने से पहले भी आप उसको रिव्यू कर लेते हैं कि जो भरा है आपने सही नहीं भरा है क्या, कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो इतनी सावधानी से जो फॉर्म भरते हैं तो उसको कहते हैं कि हम फॉर्म मेटिकुलसली फिल करते हैं, मेटिकुलसली। तो मेटिकुलस का यूज करके दिखा दिया आपको। नाउ द अनदर वर्ड इज मेडन स्पीच। मेडन मतलब आप मेडन सेंचुरी सुने हैं, मेडन विकेट सुने हैं, क्रिकेट का वर्ड आप अधिक समझते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो मेडन मतलब प्रथम, प्रथम। हाँ स्पीच मतलब भाषण, तो प्रथम भाषण। कोई भी नेता बनना है तो क्या करेगा? भाषण देगा। जो प्रथम भाषण होगा उसे बोलेंगे मेडन स्पीच। हम भी भाषण किसी जगह पे देते हैं, स्कूल में देते हैं, अब अपने दोस्तों के बीच देते हैं, क्या कहेंगे? पहली बार देंगे तो मेडन स्पीच। नाउ अ स्पीच विच इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एक भाषण जो पहली बार दिया जाता है उसे कहते हैं मेडन स्पीच। जिस तरह से नाम है वैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मीनिंग आ रहा है। नाउ द 115th इज मर्सिनरी। मर्सिनरी का मतलब याद कर लीजिए, हमारे देश में ऐसा नहीं होता, दूसरे देशों में होता है जरूर, भारत का सैनिक। इतिहास में भी बहुत से भारत के सैनिक थे, हमारे अंग्रेजों के जमाने में भी भारत के सैनिक थे। अंग्रेज सैनिक के साथ जो इंडियन सैनिक थे, दैट वर लाइक
मर्सिनरीज, वो भारी के सैनिक के समान थे, पैसा दिया सैनिक का काम किया, वो पैसा के लिए काम करते थे। ग्रुप ऑफ वर्ड है वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, वह जो फाइट करता है फॉर द सेक ऑफ, बताया था कुछ मिनट पहले ही बताया था कि जिधर फॉर द सेक ऑफ आएगा दो ही वर्ड लिखना है हिंदी, वह है के लिए। तो वन हु फाइट्स, वह जो लड़ता है पैसा के लिए, कहते हैं मर्सिनरी, भाड़े का सैनिक। नाउ कम्स द नेक्स्ट, दैट इज नर्सरी, पौधशाला, जहां पे छोटे छोटे पौधों को रखते हैं उसे बोलते हैं नर्सरी, पौधशाला। अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर केप्ट, ऐसा जगह जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को रखा जाता है, पौधशाला। आपने देखा होगा सड़क किनारे कि कोई बना हुआ जगह है और ऊपर ग्रीन कपड़े लगे हुए हैं, हाँ, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे रखे हुए हैं बिकने के लिए, गमलों में रखे रहते हैं, इसको बोलते हैं नर्सरी, पौधशाला। नाउ द नोटोरियस, द अनदर वर्ड इज नोटोरियस। नोटोरियस मतलब कुख्यात, इसका इसका अपोजिट आप सब जानते हैं फेमस। फेमस मतलब विख्यात, जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध होता है उसे बोलते हैं फेमस, और जो बुरे काम के लिए प्रसिद्ध होता है उसे बोलते हैं नोटोरियस, कुख्यात। देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Having an evil reputation, evil बोलते हैं, evil नहीं evil। Having an evil reputation, reputation मतलब नाम, evil मतलब बुरा, बुरा नाम रखना, बुरा नाम हो गया है कि सो एंड सो तो है खराब काम करता है, तो उसका उसको क्या कहेंगे कि सो एंड सो इज नोटोरियस, कुख्यात। नाउ द वर्ड इज ऑब्सोलिट, ऑब पढ़िए और फिर सोलिट पढ़िए, स्पेलिंग ध्यान रखिए, SOLITE, सोलिट, अप्रचलित, हिंदी है अप्रचलित। नो लॉन्गर यूज, अब प्रयोग में नहीं होना, या आउट ऑफ डेट, डेट से बाहर हो जाना, ठीक, इसको बोलते हैं ऑब्सोलिट। नाउ ऑक्टो, ऑक्टे नहीं ऑक्टो, ऑक्टो जेनेरियन, ऑक्टो जेनेरियन, ऑक्टो जेनेरियन का मतलब होता है कि जब हमारा एज या किसी का एज 80 से 89 के बीच होता है तो उसे कहते हैं कि वह ऑक्टो जेनेरियन है। ऑक्टो जेनेरियन मतलब 80 साल का, हिंदी तो कहेंगे 80 साल का ही, लेकिन एज रहेगा 80 से 89 के बीच। आप एक वर्ड देख लीजिए, 13 से लेकर 19 को बोलते हैं टीन, टीनेज भी इसी से बन जाता है टीनेज। क्यों बोलते हैं इनको टीन, क्योंकि 13, अब जब लिखेंगे 13 तो यहाँ पे लास्ट में टीन आएगा, और 19 लिखेंगे तो यहाँ भी लास्ट में टीन आएगा, और इसके बीच वाले भी टीन ही आते हैं लास्ट में, इसलिए 13 से 19 साल के एज को बोलते हैं टीन, चाहे टीनेज। ऐसे ही 80 से 89 साल वाले को बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन, ऑक्टो दो बार में जेनेरियन। अ पर्सन हु इज ऑफ एन एज फ्रॉम 80 to 89। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओमनी पोटेंट, जितने हैं एग्जाम्स में आए हैं और आएंगे भी। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिशाली, पोटेंसी, पोटेंसी मतलब शक्ति, पोटेंसी का मतलब तो शक्ति, उसी से बना है, पोटेंट शक्ति आ जाएगा। ओमनी मतलब सर्व, हर जगह सबसे अधिक, तो बींग, बींग ऑल पावरफुल, इसे बींग नहीं बोलते, इसे बींग बोलते हैं। बींग ऑल पावरफुल मतलब पूरा शक्तिशाली होना, क्या कहलाता है, सर्वशक्तिशाली। जैसे हमारे जो मैथोलॉजी कहता है गॉड, सर्वशक्तिशाली होते हैं, ओमनी पोटेंट होते हैं। नाउ ओमनी से ही मिलता जुलता वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, ओमनी मतलब सभी जगह, हम तो सर्वव्यापी हो जाएगा हिंदी, सर्वव्यापी। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, बहुत इजी है, बस आप ओमनी का मतलब याद रखिए, ओमनी मतलब सभी जगह, चाहे सबसे अधिक, और पोटेंट मतलब शक्तिशाली, प्रेजेंट मतलब उपस्थित।
नाउ ओमनीसिएंट, सिएंट ओमनीसिएंट पढ़ते हैं इसको। अब ओमनी मतलब सबसे अधिक और सिएंट मतलब ज्ञानी, सबसे अधिक ज्ञानी, नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे ओमनीसिएंट बोलते हैं। तो ऐसा तो गॉड ही हो सकते हैं जो ओमनी पोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो, ओमनी सीएंट हो। राइट, नाउ कमिंग टू ओपेक। ओपेक ये आपका जीके वाला ओपेक नहीं है, OPEC, ये इसका अलग है, ये ओपेक नहीं है, लेकिन उच्चारण ओपेक ही आता है। तो ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। इसका अपोजिट आप जानते हैं, मिलेगा भी, ट्रांस पैरेंट, पारदर्शी। तो ओपेक मतलब अपारदर्शी, हिंदी समझते हैं, जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं, फिजिक्स का ये टर्म हो गया। तो नॉट अलाउइंग द लाइट टू पास, लाइट को गुजरने नहीं देना, अलाउ नहीं करना, गुजरने के लिए अलाउ नहीं करना कहलाता है अपारदर्शी। जो पदार्थ नहीं करता है, गुजरने नहीं देता है, उस पदार्थ को बोलते हैं अपारदर्शी। नाउ ऑप्टिमिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमिस्ट का निगेटिव पहले देख लीजिए, पेसिमिस्ट। पूछता है अपोजिट, तो इसमें एंटोनिम्स में ऑप्टिमिस्ट का निगेटिव होता है पेसिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का है आशावादी, तो इसका निगेटिव तो आप सब जानते हैं, आशा का निराशावादी। तो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वह जो वस्तुओं के ब्राइट साइड को देखता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ब्राइट साइड, एक एग्जाम्पल से, आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो लोग सोचते हैं कि मेरे पढ़ने से मेरा फ्यूचर, मेरे घर का फ्यूचर, मेरे टोला का फ्यूचर, मेरे जो भी समाज है उसका फ्यूचर, मेरे जिला का फ्यूचर, मेरे राज्य का फ्यूचर, मेरे देश का फ्यूचर, और अल्टीमेटली मेरे विश्व का, मैं अगर सफल होता हूं तो एक अच्छा फ्यूचर वाला नागरिक हो जाऊंगा, जो यह सोचकर पढ़ता है उसे क्या कहेंगे कि उसका सोच ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी सोच रखता है वो। और कोई पढ़ता है दूसरा सोचता क्यों पढ़े, थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ग्रुप डी में नौकरी कर लेंगे। और छोड़ो, नौकरी नहीं भी हो तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, इतना मेहनत करने क्या जरूरत है, जिंदगी एक मिली है। इस तरह का जो सोच कर पढ़ते हैं, दे विल बी अंडर दिस पेसिमिस्टिक कैटेगरी, निराशावादी होते हैं कि इतना चीज कैसे पढ़ सकते हैं, मुश्किल है करना। नाउ ओरेटर, ओरेटर मतलब वक्ता, याद रखेंगे ओरेटर का मतलब होता है वक्ता। वन हु इज गुड एट मेकिंग पब्लिक स्पीचेज, जो पब्लिक को भाषण देने में अच्छा होते हैं उन्हें बोलते हैं वक्ता। और ओरेटर, स्पेलिंग देख लीजिए, उच्चारण भी देख लीजिए, ओरेटर बहुत ही सिंपल स्पेलिंग है इसका। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट का स्पेलिंग भी सिंपल है, ऑप्टिमिस्ट तो बहुत सिंपल है, लेकिन पेसिमिस्ट में डबल एस होता है। नाउ दिस इज ऑफन, 126th वर्ड इज ऑफन। यहाँ पे आर को साइलेंट किया जाता है, आर का उच्चारण नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ऑफन, ORPHN, ऑफन मतलब अनाथ। अनाथ उसे कहते हैं जिसके दोनों माँ और पिताजी नहीं होते हैं, उसे अनाथ कहते हैं। एक रहेंगे तो अनाथ नहीं कहेंगे, इसको आप मार्क करिएगा। तो अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता पिता मृत हैं उसे बोलते हैं ऑफन। नाउ द वर्ड इज ओलीगार्ची। ओलीगार्ची का होता है कुलीन तंत्र। अभी देखिए एक करंट अफेयर्स में है, आप जानते होंगे अभी जो लास्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, दैट वाज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ किया, चाहे जो कुछ जैसे भी हुआ, उनका ट्विटर ने उनका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, फेसबुक ने भी कुछ ऐसा ही काम किया, उनको परमिट नहीं किया यूज करने का फेसबुक और ट्विटर ने, इन्होंने अपने से ही इस काम को कर दिया। तो ये अपने को कुलीन समझते हैं, अपना शासन लगा दिया, इसको बोला गया कि ये ट्विटर फेसबुक का ओलीगार्ची है, एग्जाम्पल दे दिया है। एनीवेज
हटते हैं, इससे बाहर आते हैं, शब्द पे आते हैं ओलिगार्ची, कुलीन तंत्र, अ गवर्नमेंट वेयर ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल बॉडी ऑफ पर्सन्स, लोगों के छोटे से समूह के पास पूरी शक्तियां संकेंद्रित होती हैं सरकार की, उसे बोलते हैं ओलिगार्ची। अमेरिका का गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ये अपने आप को गवर्नमेंट जैसे समझ गए, भले ही इनका कदम जो भी था ट्रंप ने किया वो कदम सही था गलत था वो अलग बात है, ये कौन है करने वाले, तो इसलिए कहा गया कि ये सब ओलिगार्ची का एग्जाम्पल है। नाउ पेनेसिया, पेनेसिया मतलब रामबाण, रामबाण से तो मतलब समझते हैं, राम जी ने बाण चला दिया तो वो समस्या खत्म। ऐसे ही पेनेसिया है मतलब जिस चीज के लिए दवा है वह बीमारी खत्म, तो क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, सभी बीमारियों का दवा, उसको बोलते हैं पेनेसिया, रामबाण। कोई दवा है जैसे गर्म पानी पीना, जो कहते हैं गर्म पानी पीना, तो गर्म पानी पीने से बीमारियां नहीं होती है, तो कह सकते हैं कि गर्म पानी जो है एक पेनेसिया का काम करता है, सभी बीमारियों की दवा का काम करता है। एनीवेज मैं कंफर्म नहीं हूं जो बोल रहा हूं। नाउ पैरासाइट, पैरासाइट मतलब पैरासाइट चाहे पैरासाइट दोनों बोलते हैं इसे, परजीवी, परजीवी आप जानते हैं बायोलॉजी से, परजीवी क्या होता है, वैसा जीव जो पर दूसरे जीव के शरीर पर रहता है उसी से भोजन प्राप्त करता है और कभी कभी उसको क्षति भी पहुंचाता है, उसे कहते हैं परजीवी, पैरासाइट। दैट विच लिव्स ऑन अनदर, वह जो रहता है निर्भर रहता है, लिव्स ऑन मतलब निर्भर रहता है, ये फ्रेजल वर्ब है, निर्भर रहता है, वह जो निर्भर रहता है अनदर दूसरे पर कहते हैं पैरासाइट। नाउ दिस इज पैट्रीमनी, पैट्रीमनी मतलब जो हमारे पूर्वज हमारे संपत्ति छोड़ जाते हैं, पैसा छोड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं पैतृक संपत्ति, इंग्लिश में पैट्रीमनी। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स, इनहेरिटेड मतलब प्राप्त किया हुआ होता है, प्रॉपर्टी संपत्ति जो प्राप्त किया हुआ होता है एक साथ होना चाहिए, फ्रॉम वंस फादर किसी के पापा से, अच्छा एंसेस्टर्स, इसको एंसेस्टर्स कहते हैं और हिंदी है पूर्वज। एंसेस्टर्स का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है मिस स्पेल्ड में, ए एन सी ई एस टी ओ आर एस, एन सेस सी एस एस टी ओ आर एस, सिस्टर्स, राइट। तो पैट्रीमनी हो गया पैतृक संपत्ति। नाउ कम्स 131st, दैट इज पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, ये आप जानते हैं बहुत से इंग्लिश बुक्स में आप पढ़ते रहते हैं पेडेस्ट्रियन का, यह प है, पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियन एक्चुअली, वन हु गोज ऑन फुट, वह जो ऑन फुट जहां भी आएगा, इसका हिंदी आप रखेंगे पैदल, वह जो पैदल जाता है उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, जो साइकिल से जाता है साइक्लिस्ट, तो पेडेस्ट्रियन जो पैदल जाता है। नाउ ऑप्टिमिस्ट का ही उल्टा हमारे सामने यहाँ आ गया पेसिमिस्ट, देखिए डबल एस है, पेसिमिस्ट हिंदी है निराशावादी, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, वहां पे सेम वर्ड था डार्क जब ब्राइट था, जब ब्राइट रहेगा तो क्या हो जाएगा ये ऑप्टिमिस्ट, और डार्क रहेगा तो हो जाएगा पेसिमिस्ट, तो वह जो वस्तुओं के डार्क साइड की तरफ निगेटिव साइड की तरफ देखता है उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट, और जो चमकीले साइड की तरफ देखता है पॉजिटिव साइड की तरफ देखता है उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, बताया था आपको ऑप्टिमिस्ट में ठीक से। नाउ दिस इज फिलान्थ्रोपिस्ट, फिलान्थ्रोपिस्ट स्पेलिंग जिस तरह से पढ़ रहा हूँ वैसे ही है, पी एच आई एल एन फिलान्थ्रोपिस्ट, परोपकारी, दूसरा का उपकार करने वाला, हमारा पहला वर्ड भी परोपकारी ही था, यहाँ पे फिलान्थ्रोपिस्ट का मतलब भी परोपकारी ही है, और इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी डिफरेंट है उससे, वन हु लव्स, वह जो प्यार करता है और कार्य करता है अपने साथियों के लिए, फेलोमैन मतलब साथी, अपने साथियों के लिए काम करता है और प्यार करता है उसे बोलते हैं फिलान्थ्रोपिस्ट। नाउ द वर्ड कम्स दैट इज पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब बहुपत्नीत्व,
बहुपत्नित्व का मतलब होता है कि एक पुरुष के एक समय में एक से अधिक वाइफ होती है, सेम टाइम में एक से अधिक वाइफ होती है, उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। तभी क्या हुआ, वन हस्बैंड, हस्बैंड और वाइफ कितना, वाइफ मोर देन वन। अब क्या होगा, वन वाइफ हस्बैंड कितना, हस्बैंड मोर देन वन, इसको बोलेंगे पोली एंड्री। इसको वाइफ जब एक से अधिक हस्बैंड रखेगी तो पोली एंड्री, और हस्बैंड जब एक से अधिक वाइफ रखेगा उसे बोलेंगे पोलीगैमी। याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। तो दूसरा भी हो गया कि पोलीगैमी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पोली एंड्री, और पोली एंड्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, पोलीगैमी। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, अब जानते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस आदिवासियों के बीच होती है। नाउ पॉलीगन, पॉलीगन मतलब बहुभुज, पॉली मतलब अनेक, समझ लीजिए एक से अधिक, अनेक मतलब एक से अधिक, और गौन मतलब भुजा, ये सब जो होता है मैथमेटिक्स का बहुभुज कहेंगे। हैविंग मेनी साइड साइडेड फिगर्स, सॉरी सॉरी हैविंग नहीं, अ मेनी साइडेड फिगर, अनेक भुजाओं का। इंग्लिश में जो ट्रायंगल के भुजाएं होती हैं साइड बोलते हैं, तो मेनी साइड अनेक भुजाओं वाला चित्र क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन। जरा देखिए इसको, ये देखिए ये है तीन भुजाओं का, थ्री साइडेड का क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। आप जानते हैं चार भुजाओं वाला, फोर साइडेड वाला क्या कहते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मैं क्या बताया कि एक से अधिक साइड होना चाहिए, तो तीन है। आप जानते हैं कोई भी आकृति, बंद आकृति दो दो भुजाओं से अधिक भुजाओं से बनती है, मतलब तीन भुजाओं से ही आकृति बंद हो सकती है, तो इसे ट्राइंगल से यहाँ पे है। क्वाड्रिलेटरल, मैं इसे लाया हूं कि स्पेलिंग याद रखना है, क्वाड्रिलेटरल का पूछता है एग्जाम में मिस स्पेल्ड में। क्वाड्री देखिए जिस तरह से बोल रहा हूं वैसे ही क्वाड्री लिखा भी हूं, लेटरल। दिस इज पेंटागन, पेंटागन मतलब पंचभुज। दिस इज हेक्सागन, षष्ठभुज। याद करिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। अभी तो पॉलीगन कहा ना, यहाँ पे बोलेगा अ थ्री साइडेड फिगर, क्या करेंगे ट्राइंगल। अ फोर साइडेड फिगर यहाँ पे, तो क्या करेंगे क्वाड्रिलेटरल। अ सिक्स साइडेड फिगर, तो क्या कहेंगे हेक्सागन, षष्ठभुज। सात सेवन साइडेड फिगर, तो क्या कहेंगे हेप्टागन। फिर एट साइडेड फिगर, क्या कहेंगे ऑक्टागन। नाइन साइडेड नोनागन, एंड टेन साइडेड डेकागन। ये याद रखेंगे, कुछ भी पूछ देगा। तो जो पॉलीगन्स होते हैं नॉर्मली उनको यहाँ पे डाल दिया है आपके लिए। नाउ कम्स 136। 136 इज थिकली पॉपुलेटेड, वर्ड है पॉपुलस। पॉपुलस पढ़ते हैं एक ही बार में, घनी आबादी वाला हिंदी होता है। घनी आबादी मतलब बहुत आबादी है, तो घनी मतलब क्या, ठीक, और पॉपुलेटेड मतलब आबादी वाला, एक ही चीज है। तो पॉपुलस का सिनोनिम हो गया एक तरह से, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, कुछ भी कह सकते हैं थिकली पॉपुलेटेड को। समझाने की कोई अधिक जरूरत नहीं है, स्पेलिंग याद रखिएगा पॉपुलस, LOUS। पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब वहनीय, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले सकते हैं, आसानी से मतलब किसी भी वस्तु को तो हम ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, लेकिन जिसे आसानी से ले सकते हैं उसे कहते हैं पोर्टेबल। जैसे एग्जाम्पल से बता देता हूँ, आपके पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, अलग से उसका CPU, अलग से उसका UPS, अलग से उसका माउस, अलग से उसका कीबोर्ड, अलग से उसका स्पीकर, अलग से उसका कैमरा, और फिर अलग से उसका मॉनिटर, इस सब का सब होता है उसमें। लेकिन वही एक लैपटॉप होता है जो सब कुछ एक ही में होता है। तो लैपटॉप एक पोर्टेबल होगा, और डेस्कटॉप जो होगा वह एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं होगा। तो दैट विच कैन बी इजिली कैरीड, वह जिसे आसानी से कैरी किया जा सकता है कहते हैं पोर्टेबल। नाउ पोस्थमस, इसे पोस्थुमस नहीं पढ़ते, पोस्थमस पढ़ते हैं, लिखा हुआ मरणोपरांत। मरणोपरांत क्या होता है, जैसे मैंने कोई बुक लिखा और
बुक पब्लिश करने के लिए पब्लिशर को दे दिया, किसी कारण से खुदा न खास्ता किसी कारण से कुछ होता है तो मेरे मरने के बाद फिर वो बुक पब्लिश होगा, तो उसे बोलेंगे कि पोस्थमसली पब्लिश बुक है वो। चाहे किसी बच्चा का जन्म होता है और बच्चा के जन्म होने से पहले ही उसके अगर फादर मर गए रहते हैं तो कहते हैं कि बच्चा पोस्थमसली जन्म लिया। चाहे किसी को कोई इनाम मिलता है, ए ने बहुत बहादुरी का काम किया, उस काम को करते करते वो शहीद भी हो गया, मार्टियर हो गया, अब सरकार उसको इनाम देगी तो कहेंगे पोस्थमसली उसको पुरस्कार मिला, राइट, मरणोपरांत। तो पढ़ लेते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ वंस फादर, इसको भी कहते हैं पोस्थमस, ये तो हो गया एक। दूसरा भी पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर, तो इसको पोस्थमस कहते हैं। नाउ द वर्ड इज प्लूटोक्रेसी, क्रेसी मतलब तंत्र और इधर गवर्नमेंट, तो प्लूटोक्रेसी क्या कहलाएगा, अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी और द रिच क्लास, संपन्न अमीर लोगों वर्गों के द्वारा जो शासन चलाई जाती है उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी, धन तंत्र, धन लिखा है, धन धनी लोगों द्वारा जो शासन होता है उसे बोलते हैं धन तंत्र। नाउ वर्ड इज पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब आप लोकप्रिय जानते हैं, लोकप्रिय होता है तो लोकप्रिय कौन होता है, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वही लोकप्रिय होता है। तो वन हु इज लाइक्ड और एडमायर्ड बाय ऑल, वह जो पसंद किया जाता है या प्रशंसित होता है सबके द्वारा उसे कहते हैं पॉपुलर। नाउ कम्स 141, दैट इज पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम मतलब शव परीक्षण, जब कोई मर जाता है उसके बॉडी का जब परीक्षण होता है कि किस कारण से मृत्यु हुई उसको कहते हैं पोस्टमार्टम शव परीक्षण। स्पेलिंग बहुत ही इजी है, याद रखिएगा, लेकिन TEM रहेगा, ये ध्यान रखना है पोस्टमार्टम में। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, मृत शरीर का चिकित्सीय परीक्षण कहलाता है शव परीक्षण। नाउ स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट में डी साइलेंट होता है, डी को हम नहीं पढ़ते हैं, तो हो जाएगा स्पेन और फिर थ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला, खर्चीला कहते हैं इसे। अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, बेतहाशा, इसको बोलते हैं बेतहाशा, मतलब बिना सोचे समझे पैसा को जो खर्च करता है, मनी को स्पेंड करता है उसे कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चीला। नाउ कम्स स्पोक्स पर्सन, ध्यान रखिए स्पोक्स नॉट स्पोक, स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता, प्रवक्ता कौन किसे कहते हैं, जो किसी के, जैसे कोई कंपनी है ABC कंपनी है, तो ABC कंपनी कोई सामान लॉन्च कर रही है, निकाल रही है, तो उसका स्पोक्स पर्सन आएंगे मीडिया के पास और वो कहेंगे कि हम Q नाम का एक आइटम निकाल रहे हैं जिसके फीचर्स बहुत सारे हैं, तो कौन बोलेगा, उस कंपनी का, कंपनी थोड़े बोलेगी, कंपनी के तरफ जो बोलने वाले होते हैं उसे बोलते हैं स्पोक्स पर्सन, वो बोलेंगे, वही लिखा है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, वह जो बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ, इसका हिंदी याद रखिएगा हमेशा की ओर से, वह जो दूसरे की ओर से बोलता है उसे बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। पॉलिटिकल पार्टीज के भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, कांग्रेस का, BJP का, सबका स्पोक्स पर्सन है, वो बोलेगा तो समझाता कि BJP बोल रही है। नाउ स्टोइक, स्टोइक मतलब उदासीन, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उदासीन मतलब क्या होता है, जिस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, फिजिक्स में देखा है आपने, अम्लक्षार पढ़ा होगा आपने, फिर उदासीन भी पढ़ा हुआ आपने, उदासीन पे ना अम्ल का असर पड़ता है ना क्षार का असर पड़ता है, मतलब खुशी गम किसी का असर जिस पे नहीं पड़ता है उसे, जो बेअसर वाला होता है, इनडिफरेंट होता है, उस पर्सन को कहते हैं स्टोइक। नाउ द टॉकिंग ऑफ वंस, सॉरी द टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, टेकिंग ऑफ, ले लेना,
खुद की अपनी जान ले लेना क्या कहलाता है? आत्महत्या कहलाता है, सुसाइड कहलाता है। स्पेलिंग तो आप सबको पता होगा, सुसाइड, याद रखिएगा। नाउ कम्स 146, दैट इज सेनाटोरियम। सेनाटोरियम एक्चुअली नहीं, दिस इज सेनेटोरियम, SENATORIUM। सेनेटोरियम मतलब सेहत गाह, सेहत गाह मतलब जहां पे बीमार लोग सेहत लाभ करते हैं, ठीक होने तक रहते हैं, उसे बोलते हैं सेहत गाह। देखते हैं, अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वालेसेंस, मतलब बीमार और बेसहारा लोगों का जगह कहलाता है सेहत गाह। कॉन्वालेसेंस, बेसहारा, इनवैलिड्स, बीमार लोगों का जो जगह होता है जहां पे रहते हैं उन्हें कहते हैं सेनाटोरियम, सेनेटोरियम। नाउ द वर्ड इज टीटो टेलर, शराब न पीने वाला, जो कभी पीता ही नहीं, छुआ भी नहीं हो, उसे कहते हैं टीटो टेलर। वन हु अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अब्सटेंस फ्रॉम मतलब परहेज करता है, परहेज करता है। अब्सटेन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, इसे ध्यान रखेंगे आप। तो वह जो परहेज करता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स से, उसे बोलते हैं टीटो टेलर। नाउ कम्स थर्मोमीटर, थर्मोमीटर मतलब इसे लिखने, स्पेलिंग याद करने के लिए हम बोलते हैं थर्मोमीटर, बट इसको पढ़ते हैं थर्मामीटर ही, और हिंदी भी थर्मामीटर ही है, और आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते समझ जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, एक यंत्र टेम्परेचर को मापने के लिए होता है, उसे बोलते हैं थर्मामीटर। नाउ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट समझा दिया था जब ओपेक समझाया था आपको, उस वक्त ही, पारदर्शी, जहां से लाइट आर पार गुजर जाता है, अलाउिंग द लाइट टू पास, लाइट को गुजरने देना का जो का जो सामान होता है, वस्तु होती है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। नाउ यूनेनिमस, यूनेनिमस मतलब सर्वसम्मत, याद रखेंगे यूने पढ़ेंगे और फिर निमस, NIMOUS, स्पेलिंग नहीं भूलना। आप खाली वन वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने वोकैब्स को बढ़ा रहे हैं, आप मिस स्पेल्ड को भी ठीक कर लेंगे अपने, और वन वर्ड को भी पढ़ लेंगे, और वैसा वन वर्ड जो इसमें नहीं है और ऑप्शन देखेंगे आप, तो समझ में आएगा कि इसका आंसर तो वही होगा, क्योंकि इससे अगर चार ऑप्शन रहेगा तो दो तीन ऑप्शन इसी में का कोई ना कोई रहेगा जिसके बारे में आप जानते हैं पहले से, तो जिसके बारे में नहीं जानते हैं तो ऑप्शन भी वही हो जाएगा, तो आप एलिमिनेट करके भी बहुत चीज आंसर कर सकते हैं, इसे ध्यान से पढ़िए। 150th नंबर सर्वसम्मत होता है यूनेनिमस। Showing complete agreement, पूर्ण सहमति दिखाना, कहते हैं unanimous, बताऊंगा। All of one mind, सभी एक दिमाग का, सभी का होना, एक दिमाग मतलब एक सहमति का, जैसे कहा जाए कि यह आपसे कुछ कहा जाए, कोई योजना बताई जाए कि अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद हम कंफ्यूज वर्ड्स करेंगे, मान लेते हैं अभी तो इसके बाद आपके सामने जो करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज करेंगे, तो अगर मैं योजना बताता हूँ इडियम्स एंड फ्रेज करेंगे और आप सब बोलेंगे ठीक है यस 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 यस, सबके सब जब यस बोल देंगे तो कहेंगे कि वह जो डिसीजन आप लोगों का है यूनेनिमस है, लेकिन उसमें से एक भी नो बोल दिया, एक भी, तो वो यूनेनिमस नहीं होगा। तो कोई भी निर्णय जो समूह होता है उसके जब सभी लोग हाँ में देते हैं, एक सुर में देते हैं, उसे बोलते हैं यूनेनिमस, सभी लोग, एक भी माइनस नहीं, अपवाद नहीं होगा इसमें। नाउ कम्स 151st, यूनिवर्सल, विश्वव्यापी, समझते हैं, फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉस्मोपॉलिटन भी देखा था, उसका भी यही, इसको कॉस्मोपॉलिटन भी आप समझ सकते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया है पहले, फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें था बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन, राइट। नाउ वेटरन मतलब अनुभवी, वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, जिसको अनुभव है उसे वेटरन कहते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा VETERAN, वन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ सम जॉब, अनुभवी होता है तो किसी जॉब का उसको लंबा
एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उसे कहते क्या है? अनुभवी कहते हैं। नाउ दिस इज माइथो, माइथोलॉजी, पौराणिक कथा, माइथोलॉजी। दो बार पढ़ना है। किसे कहते हैं माइथोलॉजी? तो साइंस ऑफ रिलीजन, धर्म के विज्ञान को कहते हैं माइथोलॉजी। इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, माइथोलॉजी कहें कि कोई साइंस का टर्म दे देगा उसको कहें, क्या कहें, तो बहुत मुश्किल होगा। माइथोलॉजी कहते हैं साइंस ऑफ रिलीजन। नाउ वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, जो काम हम स्वेच्छा से करते हैं, किसी का दबाव नहीं होता है। जैसे हम सभी जो पब्लिश करते हैं, लेक्चर दे रहे हैं, आपके सामने डालेंगे, इस पर किसी का दबाव नहीं है। यह काम मैं अपने मन से समर्पित हुआ करता हूं, इसको क्या बोलेंगे? स्वैच्छिक, वॉलंटरी। स्पेलिंग बहुत ईजी है, वॉलंटियर, वॉलंटरी। हाँ, यूज नहीं करते, इसलिए थोड़ा दो चार बार बोल लीजिएगा इस वर्ड को, वॉलंटरी, वॉलंटरी करके, राइट। ऑफ वंस फ्री विल, अपने स्वतंत्र इच्छा का, इसको बोलते हैं स्वैच्छिक। नाउ यहाँ स्व इच्छा भी दिख रहा है आपको। नाउ वाटर प्रूफ, दिस इज वाटर प्रूफ, जल रोधक, दैट थ्रू विच वाटर कैनॉट पास। जल रोधक क्या होता है, वाटर प्रूफ क्या होता है, कि जो भी वाटर प्रूफ है उसके अंदर जल जाना नहीं है, जल को पास नहीं करना है, वाटर को पास नहीं करना है, उसे बोलते हैं वाटर प्रूफ। तो वह वस्तु जिस थ्रू विच, जिससे वाटर नहीं गुजर सकती सकता है, उसे बोलते हैं वाटर प्रूफ। नाउ कम्स 156, दैट इज वीडो, दिस इज वेरी इजी। वीडो मतलब विधवा, जानते हैं आप कि औरत जिसके पति मृत होते हैं उस औरत को कहते हैं विधवा, लेकिन इसका अपोजिट या मैस्कुलिन जेंडर भी आप ध्यान रखेंगे, दैट इज विडोवा। विडोवर मतलब विधुर। तो औरत का जब पति मृत होते हैं तो विधवा, और जब पुरुष की पत्नी मृत होती है तो उसे बोलते हैं हम विडोवा, इसे याद रखेंगे। नाउ वायरलेस, वायरलेस मतलब बेतार, बिना तार का, बिना तार का, जैसे मोबाइल से जो हम अभी कम्युनिकेशन करते हैं, यह वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है। लेकिन आपने देखा होगा पहले फोन तार से जुड़ा होता था और फिर हम बातें करते थे उससे, तो उस तरह का जो कम्युनिकेशन था, हम यहाँ तार से जुड़े फोन से बोलेंगे और दूसरे एंड पे भी तार से जुड़ा हुआ भी फोन रहेगा, उस पर कोई सुनेगा, तो इस कम्युनिकेशन को बोलते थे वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर्ड। और जो मोबाइल वाला है वायरलेस है, तो बेतार, वायरलेस का बेतार ही होता है। बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं, मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स, तार के सहायता के बिना मैसेज को भेजने का जो तरीका है उसे बोलते हैं वायरलेस। नाउ कम्स द अनदर वन, दैट इज होलसम। होलसम मतलब होता है पौष्टिक, बिल्कुल ही वर्ड से मतलब नहीं निकल रहा है। होल मतलब पूरा होता है, यहाँ सम का मतलब कुछ जानते हैं, मिला दिया, होलसम बन गया पौष्टिक। पौष्टिक मतलब क्या होता है? हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है, फेवरेबल होता है, उसको बोलते हैं पौष्टिक। फ्लीट, फ्लीट मतलब बेरा। फ्लीट किसे कहते हैं? आप कॉमन, आप कलेक्टिव नाम में पढ़े होंगे, अ फ्लीट ऑफ शिप मतलब जहाजों का बेरा, इसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड फ्लीट। और आपकी जानकारी के लिए शिप का प्लूरल नहीं होता है, शिप का सीप ही होता है, और सीप एक वर्ड है जो कि फेमिनिन जेंडर में माना जाता है, फेमिनिन जेंडर, जिस तरह से इंडिया फेमिनिन जेंडर माना जाता है, इंडिया का वैसे ही सीप को भी माना जाता है फेमिनिन जेंडर। नाउ कम्स एक्वायरियम, एक्वायरियम मतलब मछली घर। अ टैंक वेयर फिश आर केप्ट, एक टैंक, एक बर्तन जहां पर फिश रखा जाता है उसे एक्वेरियम बोलते हैं। अब जाते हैं किसी बिल्डिंग में तो आप ऐसा देखते हैं एक, जिस पे अंदर लाइट लाइट रहता है, इधर पत्थर पत्थर रहता है, इधर मछलियां आपको तैरती तैरती दिखाई देती हैं मछलियां, तो इसको बोलते हैं, पानी भी रहता है इसी के अंदर, इसको बोलते हैं एक्वेरियम, मछली घर। नाउ राई,
जब हम मुंह टेढ़ा करते हैं ना, उसको बोलते हैं राई। तो ट्विस्टेड और डिस्टोर्टेड फेशियल एक्सप्रेशन, ट्विस्टेड टेढ़ा टेढ़ा किया हुआ या बिगाड़ा हुआ, डिस्टोर्टेड मतलब बिगाड़ा हुआ। फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के भाव जो इंडिकेट करता है डिसप्लेजर नाखुशी को, या डिसगस्ट भी नाखुशी कह लीजिए को जो करता है उसे कहते हैं आप, उसे कहते हैं राई। जैसे जैसे आप किसी से, आपको एलर्जी है किसी से, मतलब किसी व्यक्ति को देखते ही आपको वो पसंद नहीं आता है, तो देखते ही आपका चेहरे का भाव बदल जाएगा। कभी कभी आप, कुछ लड़कियों को भी देखा है, कुछ लड़कियां होठों को भी टेढ़ा कर देती हैं, ये सब क्या कहलाता है राई। क्यों? क्योंकि देखते ही डिस्प्लेजर चाहे डिस्गस्ट को इंडिकेट करते हुए जो एक्सप्रेशन आता है उसे ही कहते हैं राई। नाउ परवर्स, परवर्स मतलब उदंड, उदंड अब जानते हैं। अ पर्सन फुली कंटिन्यूइंग इन अ रॉन्ग डूइंग, गलत काम में जो लगा हुआ है, संलिप्त है पूर्ण रूप से, उसे कहते हैं उदंड। गलत काम करता है, रूल कौन सा काम ही नहीं करता है, उदंड है, बात ही नहीं मानता है, ये सब ही आएगा। किडनैप का मतलब जानते हैं, अपहरण। टू स्टील अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड किडनैप। नाउ अलमाइटी, अलमाइटी मतलब सर्वशक्ति शक्तिमान, अलमाइटी पढ़ते हैं इसको। और वन हु हैज पावर ओवर एवरीथिंग, वह जिसे, जिसके पास शक्ति होती है सभी वस्तुओं पे, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। नाउ कम्स द 166th नंबर, दैट इज एनोनिमस। एनोनिमस गुमनाम, गुमनाम मतलब जिसके नाम का पता नहीं है। तो इसका ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं, विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, लेखक के नाम के बिना। कोई चिट्ठी होगी, कोई बुक होगी, अगर उस पर लेखक का नाम नहीं लिखा है उसे हम कहेंगे गुमनाम, एनोनिमस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाउ द अनदर वन इज बर्गलर, बर्गलर, बर्ग पढ़िए फिर लर पढ़िए, चोर। वन हु ब्रेक्स इनटू, ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुसना, वह जो जबरदस्ती घुसता है अ हाउस, एक घर में, टू स्टील चुराने के लिए, उसे बोलते हैं बर्गलर। नाउ द अनदर वन इज बैरन, बैरन मींस बंजर, बंजर आप जानते हैं वैसी जमीन जहां पे कुछ भी पैदावार नहीं होती है, बंजर कहते हैं हिंदी में। तो ये था ग्रुप ऑफ वर्ड्स, देखते हैं। अ प्लॉट ऑफ लैंड, वैसा भूखंड, दैट डजंट ग्रो, जो पैदा नहीं करता है एनीथिंग, कुछ भी नहीं, उसे बोलते हैं बैरन, बंजर। नाउ कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन मतलब सर्वदेशीय, ये रिपीट हुआ, पहले भी हम देख लिया कॉस्मोपॉलिटन। ऑफ और फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया के सभी भागों से या सभी भागों का होता है, उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कैसे बोलेंगे? ऑफ और फ्रॉम लिखा है, एक बार बोलेंगे, जो दुनिया के सभी भागों से होता है उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, अथवा जो दुनिया के सभी भागों का होता है उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, यह एक सर्वदेशीय लीडर हैं, वो दुनिया के सभी भागों के लिए लीडर हैं। उनका नाम जो है, जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये बिल्कुल दुनिया भर में माना जाता है उनके इस प्रिंसिपल को। नाउ कमिंग बैक, दिस इज 178th, एडिबल इटेबल, दोनों की हिंदी एक ही है, खाने योग्य बोलते हैं खाद्य। इसका सेंटेंस फ्रेम से आउट हुआ है और इसको, हाँ ठीक तो है, सही तो है, एडिबल इटेबल बोलते हैं खाद्य, खाने योग्य, इसका हिंदी आउट हुआ है, यहाँ पे दे देता हूँ खाद्य, खाने योग्य, फिट टू बी ईटन, खाने योग्य, ये ध्यान रखेंगे आप। आप जब देखते हैं, खरीदते हैं कुछ कुछ, आप ऑयल वगैरह खरीदते हैं वहाँ पे एडिबल ऑयल लिखा रहता है, तो एडिबल, और ईटेबल्स जो मिलते हैं शॉप्स पे, वहाँ पे ईटेबल्स का शॉप लिखा रहता है, दोनों का एक ही मतलब होता है खाद्य, खाने योग्य।
खाने योग कर देते हैं। खाद्य मतलब भी होता है खाने योग, और खाने योग तो समझ में आता है आप सबको। नाउ 171, इलीगल। इलीगल मतलब अवैध, कॉन्ट्रेरी टू लॉ, लॉ के विपरीत। कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत, कानून के विपरीत, उसको बोलते हैं इलीगल। नाउ इलेजिबल। इलेजिबल अपठनीय, इलेजिबल होता है, वर्ड होता है लेजिबल। लेजिबल मतलब पठनीय, जो मैं लिख रहा हूं अगर आपको दिख रहा है तो आप कहेंगे लेजिबल है, वही नहीं दिखेगा। कभी डेटा कम होता है या मैं सही नहीं लिखूं तो आप उसे कहेंगे इलेजिबल अपठनीय। दैट विच कैनॉट बी रेड, जिसे नहीं पढ़ा जा सकता है उसे बोलते हैं इलेजिबल। नाउ लिटरेट। लिटरेट मतलब साक्षर, LITERATE, लिटरेट। अब इसको निगेटिव किया आई और एल लगाकर, ई लिटरेट। दो बार में पढ़ेंगे ई और फिर पढ़ेंगे दूसरी बार में लिटरेट, हो जाएगा साक्षर का निरक्षर या अनपढ़। वन हु कैन नीदर रीड और राइट। निरक्षर किसे कहते हैं, जो न पढ़ सकता है और लिख सकता है उसे बोलते हैं निरक्षर। नाउ अनदर वन इज इनऑडिबल। इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब सुनने योग्य श्रव्य, और इन कर दिया तो निगेटिव हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया, तो हो गया अश्रव्य, जो सुनने योग्य नहीं होता है। दैट विच कैनॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं इनऑडिबल। इनविजिबल, विजिबल मतलब जानते हैं, जो हमारे सामने होता है, जो देखने योग्य होता है, दृश्य होता है, लेकिन इनविजिबल मतलब जो अदृश्य होता है उसे बोलते हैं इनविजिबल। स्टोरीज में चाहे आप देखते हैं टीवी वगैरह में, तो इनविजिबल मैन की कहानियां कुछ आते रहती हैं। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन, देखने में असमर्थ होना कहलाता है इनविजिबल, अदृश्य। नाउ 176 इज विनाइल। विनाइल, विनाइल मतलब क्षम्य, जिसे क्षमा किया जा सकता है। अपार्डनेबल फॉल्ट, कोई गलती होती है उस फॉल्ट को अगर क्षमा कर देते हैं, क्षमा करने योग्य होता है उसे बोलते हैं विनाइल। नाउ स्मगलर। स्मगलर मतलब तस्कर, स्मगल होता है, स्मगल से बना है स्मगलर। स्मगल का मतलब होता है कि सामान को बिना टैक्स चुराए खरीदना या बेचना। बिना, सॉरी फिर से बोलता हूँ, शायद गलत बोला हूँ मैं। सामान को बिना टैक्स चुकाए खरीदना या बेचना, बेचना कहलाता है स्मगल करना, और जो करता है उसे बोलते हैं स्मगलर। तो इम्पोर्ट करना, इम्पोर्ट मतलब खरीदना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना, आयात और निर्यात, इम्पोर्ट आयात एक्सपोर्ट निर्यात। तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, जो आयातक होता है या निर्यातक होता है, जो गुड्स को इम्पोर्ट करता है विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी, जो कर होते हैं कर को चुकाए बिना इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला कहलाता है स्मगलर। नाउ पोस्टस्क्रिप्ट, दिस इज पोस्ट, टी साइलेंट होता है, इसे बोलेंगे पोस और फिर क्रिप्ट, पोस्टस्क्रिप्ट बोलेंगे। पश्चलेख, पश्चलेख मतलब जो पीछे लिखा गया है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट पे किसी ने साइन कर दिया और इस पे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अब किसी दूसरे कलर से अगर इस पे कुछ और, चाहे उसी कलर से कुछ और बाद में लिख दिया जाए, तो बाद में जितना लिखा जाता है इसे कहेंगे पोस्टस्क्रिप्ट। एनीथिंग रिटेन इन द लेटर आफ्टर इट हैज बीन साइंड, जब लेटर साइन हो चुकी है, सिग्नेचर हो चुका है उस पे, उसके बाद अगर कुछ भी लिखते हैं उस पर, तो जितना लिखते हैं उसे कहेंगे पोस्टस्क्रिप्ट, पश्चलेख। देन नेमसेक मतलब हम नाम, एक नाम के जैसा, हम नाम। हमराज, हमराज मतलब जिनको जिनको राज पता रहता है। फिर हम नाम, जिनका नाम एक समान होता है। पर्सन्स हैविंग सेम नेम, जिनका एक नाम होता है, जैसे किसी का नाम ए है, दूसरे किसी का भी नाम ए है, ये दोनों कहलाएंगे हम नाम, नेमसेक। देन
इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया आप एड देखते होंगे टीवी में, इनक्रेडिबल वही है, अविश्वसनीय, जिसपे देखकर आंखों को भरोसा नहीं होता है कि इतना अच्छा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं इनक्रेडिबल। दैट विच कैनॉट बी बिलीव्ड, वह जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, आंखों से देखा हुआ जिस पर विश्वास नहीं किया जाता, उसे बोलते हैं इनक्रेडिबल। नाउ कम्स 181st, दैट इज इनसोलुबल। आप जानते हैं सोलुबल, सोलुबल का मतलब होता है विलेय, जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है। जैसे आप जानते हैं वाटर और साल्ट ले लें, तो वाटर में साल्ट घुल जाता है, सोलुबल है। लेकिन वाटर में अगर सैंड ले लें, तो वाटर में सैंड नहीं घुलता है, इनसोलुबल है। तो सोलुबल का ऑपोजिट इनसोलुबल। अब ले इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व मतलब घुलना, डिजॉल्व मतलब घुलना, घुलने में जो असमर्थ होता है उसे बोलते हैं इनसोलुबल। नाउ कोरिजिबल का मतलब होता है शोध्य, जिसमें सुधार कर सकते हैं, सुधार करने योग्य। इसका ऑपोजिट होता है इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल। दो बार में पढ़ लेंगे, तो बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म, बियॉन्ड मतलब के पार, करेक्शन सुधार के पार, सुधार नहीं हो सकता, या रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब है सुधार, जिसमें सुधार या बदलाव नहीं हो सकता है, कहते हैं इनकोरिजिबल, अशोध्य। नाउ आइडलर, आइडलर मतलब आलसी, आप जानते हैं आईडीएली, आइडल मतलब आलसी और आलस, और आलस करने वाला कहलाता है आलसी। आइडल मतलब आलस, आइडलर मतलब आलसी। वन हु डज नॉट वांट टू डू एनी वर्क, वह जो कोई काम करना नहीं चाहता है। एक विद्यार्थी कभी आइडलर नहीं हो सकता है, ये नोट कर लीजिए। आप विद्यार्थी अगर हैं तो आप पढ़ेंगे तब तो पढ़ ही रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तभी अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे, और जितना लक्ष्य के बारे में सोचेंगे आपका प्रयास उतना ही लक्ष्य के लिए होगा। नाउ माइजर, माइजर मतलब कंजूस। वन हु सेव्स मनी बाय स्टार्विंग वनसेल्फ, वह जो सेव्स मनी पैसा बचाता है, बाय स्टार्विंग वनसेल्फ खुद को भूखा मारकर, स्टार्व मतलब भूखा मारना, खुद को भूखा मारकर, कुछ लोग परिवार को भी भूखा मारते हैं, इतना अधिक माइजर होते हैं, कंजूस बोलते हैं। माइजर के स्टोरीज आपने पढ़ा होगा बहुत सा। नाउ द वर्ड इज साइमल्टेनियसली, साइमल साइमल टैनियसली, तीन बार पढ़ेंगे साइमल्टेनियसली, स्पेलिंग याद रखिएगा बहुत ही ध्यान से, दो तीन बार बोल भी लीजिएगा। सम क्षणिक या एक साथ इसका हिंदी है, जो काम एक साथ होता है, जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दोनों काम हो रहा है, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं आप, कुछ लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तीन काम कर रहे हैं, यह साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है। जैसे आप बाइक साइकिल चलाते हैं तो, या बाइक चलाते हैं तो देखते हैं कि कोई और आकर मार ना दे, तो सतर्क रहना और चलाना, वो क्या है, साइमल्टेनियसली जो एक्टिविटी है उसका एग्जाम्पल है। हैपनिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय में होना, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली। नाउ 186th, स्केपगोट, स्केपगोट बलि का बकरा, करा कोई और, उसका दुष्परिणाम किसी और को मिला, उसको बोलते हैं बलि का बकरा। गलती किया ए ने और सजा मिली बी को, ए को कुछ भी नहीं हुआ, उसको बोलते हैं कि बी बलि का बकरा चढ़ गया है। वन हु इज मेड ऑफ, मेड टू सफर फॉर अनदर, वन हु इज मेड, वह जिसे मेड टू सफर पीड़ित किया जाता है, फॉर अनदर दूसरे के लिए, इसको बोलते हैं स्केपगोट। अपनी भलाई के लिए हम बलि को काट देते हैं, कि बलि दे देंगे तो भगवान हमारा कल्याण करेंगे, जो कि प्योरली प्योरली अंधविश्वास है। बलि का नाम नहीं होना चाहिए, बलि शब्द ही खत्म हो जाना चाहिए देश से। नाउ टेजी, टेजी मतलब दुखांत नाटक, अ प्ले विच एंड इन डेथ एंड सोरो, एक नाटक जो खत्म होता है मृत्यु और दुख में। जैसे मूवी देखते हैं, हमारा हीरो लास्ट में मर जाता है तो हमें दुख होता है, उसको बोलते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का उल्टा होता है कॉमेडी, कॉमेडी में हैप्पी एंडिंग होती है,
यहाँ पे सोरो वाली एंडिंग होती है 20 में। नाउ बाईएनियल, बाईएनियल मतलब द्विवार्षिक। ध्यान रखिए एक वर्ड है बाईएनुअल और दूसरा वर्ड है बाईएनियल। बाईएनुअल मतलब हाफ ईयरली, मतलब साल में दो बार, और बाईएनियल मतलब दो साल में एक बार। हाँ, स्पेलिंग देखिए, ई है एनियल और ए है एनुअल वाला, ए एन एन यू एल। राइट, कमिंग टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट विच हैपन्स वन इन टू ईयर्स, वंस इन टू ईयर्स, दो साल में जो एक बार होता है उसे बोलते हैं बाईएनियल, द्विवार्षिक। नाउ वार्ड्रोब, वार्ड्रोब मतलब अलमारी, जो अलमारी हमारी होती है उसे कहते हैं वार्ड्रोब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहाँ पे कपड़े रखे जाते हैं उसे बोलते हैं वार्ड्रोब। नेक्स्ट इज पगना सिटी, पगना सिटी मतलब झगड़ालूपन। टेंडेंसी टू क्वारल और फाइट, प्रवृत्ति झगड़ा करने की उसे बोलते हैं पग्नासिटी। जो झगड़ालू होता है उसे बोलते हैं पग्नेसियस, पग्नेसियस। ये तो झगड़ालूपन, ये तो झगड़ालूपन है, प्रवृत्ति है, लेकिन जो झगड़ालू होता है उसे बोलते हैं पग्नेसियस। नाउ 191st, कैलस, कैलस मतलब कठोर, कैलस मतलब कठोर। अ पर्सन डिवाइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, डिवाइड ऑफ का मतलब होता है रहित, माफ करिए, डिवाइड के साथ ऑफ आता है प्रीपोजिशन, ध्यान रखना है, हिंदी दोनों की होती है रहित से रहित। अ पर्सन, एक पुरुष, पुरुष मतलब स्त्री भी, एक पर्सन जो रहित होता है किससे, दया भाव और सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, जो दया भाव और सहानुभूति से रहित होता है उसे बोलते हैं कठोर, कैलस। नाउ एटिकेट, एटी और केट, सॉरी केट का स्पेलिंग देखिए क्यू यू ई टी टी ई, केट, शिष्टाचार हिंदी होती है। हमारा एटिकेट बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर हम स्टूडेंट हैं, हमारा एटिकेट ही हमें बताता है कि हम स्टूडेंट हैं और दूसरों को भी बताता है कि हम स्टूडेंट हैं। एस्टैब्लिश मैनर और रूल्स ऑफ कंडक्ट, स्थापित मैनर्स तौर तरीके अथवा रूल्स ऑफ कंडक्ट, व्यवहार करने के रूल्स जो होते हैं वो शिष्टाचार होते हैं, एटिकेट होते हैं। मेडिएबल, मेडिएबल हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, मध्यकालीन इतिहास, तो मेडिएबल का मतलब होता है मध्यकालीन, बिलोंगिंग टू मिडिल एजेज, मध्य युग, एजेज मतलब युग, मध्य युग से संबंधित, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग मतलब संबंधित। नोविस, नोविस मतलब नौ सीखिया, मतलब नया सीखा हुआ, नौसिखिया का मतलब होता है। वन हु इज न्यू टू सम ट्रेड ऑफ प्रोफेशन, वह जो न्यू है कहाँ पे, कार्य में, किसी कार्य विधि में, सम किसी कार्य विधि में न्यू है उसे कहते हैं नोविस। रेड टेपिज मतलब होता है लाल फीता शाही। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, कार्यालय औपचारिकताएं बहुत आवश्यकता से अधिक जब होती है, टू मच आवश्यकता से अधिक होना कहलाता है रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, दिन ब दिन कम हो रही है लेकिन अभी भी समस्या है और बड़ी समस्याओं में एक है। नाउ 196, इम्प्रेग्नेबल, प्रेग्नेबल का मतलब होता है प्रवेश, जहां पे प्रवेश कर सकते हैं, और इम लगा दिया हो गया उल्टा अप्रवेश। A fort which cannot be entered into by the enemy, एक किला which cannot be entered, जिसमें enter नहीं किया जा सकता है by the enemy, enemy के द्वारा, उसे कहते हैं कि किला, वह fort impregnable है, अप्रवेश्य है। Ostracize, ostracize मतलब, ostracize मतलब बहिष्कार, जैसे आपने देखा है कुछ खाप पंचायत का डिसीजन होता है कि सो एंड सो रूल को फॉलो नहीं किया है, इसलिए उसको इस सोसाइटी से बहिष्कृत करते हैं, ऑस्ट्रेसाइज करते हैं। ऐसे ही टू टर्न आउट, बाहर निकाल देना ऑफ सोसाइटी, समाज से या फेलोशिप साथ से,
साथ से चाहे समाज से, साथ से और समाज से बाहर किसी को निकाल देते हैं तो कहते हैं कि हमने उसका बहिष्कार कर दिया, ऑस्टेसाइज कर दिया। नाउ सिंक्रोनाइज्ड, नहीं ड नहीं है, सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब साथ साथ होना, इसका मतलब होता है साथ साथ होना। टू टेक प्लेस एट द सेम टाइम एज अनदर। देखिए आप डांस देखे हैं, जो डांसर होता है या होती है, सॉन्ग प्ले होता है और सॉन्ग और म्यूजिक के अनुसार उसे डांस करना होता है। तो सॉन्ग म्यूजिक के अनुसार जो डांस करता है करती है, कहते हैं कि सिंक्रोनाइज एक्शन है ये। जैसा म्यूजिक बजा वैसे डांस का फॉर्म चेंज हुआ, उसको कहते हैं सिंक्रोनाइज। चाहे आप क्लास टीचर, आपके जब पीटी कराते हैं, आप पीटी करते हैं तो जैसे क्लास टीचर किया सारे स्टूडेंट्स वैसे ही, जैसे वो अप तो अप, डाउन तो डाउन, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। नाउ अबोरिजिनी, अबोरिजिनी मतलब मूल निवासी। द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री, किसी देश का जो ओरिजिनल असली इनहैबिटेंट निवासी होता है उसे कहते हैं अबोरिजिनी। जैसे उदाहरण है, एक कंट्री है आप जानते हैं द, वैसे द लगाते हैं इसके पहले, अमेरिका। अमेरिका के जो निवासी हैं उन्हें बोलते हैं रेड इंडियन। रेड इंडियंस हैं अमेरिका के वास्तविक निवासी, तो क्या कहेंगे, रेड इंडियंस आर अबोरिजिन्स ऑफ द यूएसए। तो ये मूल निवासी हो गया। नाउ द लास्ट वन इज दैट इज रेजिसाइड। रेजिसाइड साइड है तो हत्या, और इधर मर्डर आना है, बताया था पहले ही। तो रेजिसाइड यहाँ पे है राज हत्या। राज मतलब मर्डर ऑफ अ किंग, जब किसी किंग को मार दिया जाता है उसे कहते हैं रेजिसाइड। तो ये पूरे के पूरे कलेक्शन था 200 वर्ड्स का, जो एग्जाम्स में आए हैं और एग्जाम्स में आते रहते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे बार बार देखिएगा। आप पहली बार देखने के बाद आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।